हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू लाइव सेशन ऑफ भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि आप कल देखे थे कि हमने AG2 और AG3 के सॉल्यूशन आपसे डिस्कस किए थे, सॉल्यूशन नहीं आंसर डिस्कस किए थे, तो आज जैसा कि आपको रिमाइंडर सेट कराया गया था कि आज AG1 के सॉल्यूशन के साथ हम आएंगे, तो आज हम AG1 का सॉल्यूशन लेके आपके साथ आए हैं। आप अपने ओमान से आंसर मैच करते रहिएगा, हमने विथ सॉल्यूशन इसका आंसर आपको दिया है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले फिजिक्स के साथ। हम शुरू करेंगे फिजिक्स के साथ। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल आंसर देना अलग बात है और उन चीज़ों का विथ सॉल्व करके आंसर देना अलग बात है। तो हम AG1 के प्रूफ के साथ आपके सामने आए हैं कि कैसे इसका आंसर ये होगा और मॉडल आंसर में फिर क्या आता है, उस बारे में तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम विथ सॉल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन डील करेंगे, कौन से क्वेश्चन पेपर में गलत लिए गए हैं उसके जगह पे क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सीरीज़ का, ये अपना जो PAT का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सेट ए रखा हुआ है ना, आप सेट ए के आंसर से आप अपना आंसर मैच करना, मैं ये सेट ए का आंसर बता रहा हूँ। तो आप दे सकते हैं, पहला लिखा हुआ है टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 220 वोल्ट 500 वॉट ईच आर पुट इन सीरीज। अब उसको हम किस में जोड़ दिए, 110 वोल्ट सोर्स से जोड़ दिए, तो पावर कंज्यूम्ड इन ईच बल्ब विल भी बोला है, प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति कंज्यूम्ड होगी ये चीज बोला है। तो चलिए ये सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये किस क्वेश्चन का किस ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये फिजिक्स के थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा के उष्मीय प्रभाव से लिया गया है, जो हमने अपने संस्थान में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था, सबसे पहले अगर हम गिवन देखेंगे तो यहाँ पे V का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट और यहाँ पे जो पावर P का वैल्यू दिया हुआ है वो 500 वॉट दिया हुआ है। यहाँ से हम रजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वेयर बाई पी। अब देखिए मैं क्या किया, 220 का स्क्वेयर किया डिवाइड बाई पी का वैल्यू यहाँ पे 500 था, ये पुट कर दिए। देखिए आर इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 484 00 डिवाइड बाई 500, ये मिल गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो आर का यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, इसको आप डिवाइड कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 484 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो जो आर का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा अपने को 96.8 ओम। क्लियर। अब अपने पास ये देखिए कि कितने बल्ब हैं, टू इलेक्ट्रिकल बल्ब है, दो बल्ब अपने पास है, देखिए दो विद्युत बल्ब है, तो प्रत्येक बल्ब का जो प्रतिरोध आया वो आया R1 इक्वल टू 96.8 ओम और R2 इक्वल टू भी क्या आएगा 96.8 ओम। ये दोनों सेम क्यों आया, क्योंकि दोनों का वोल्टेज और उसका पावर, वोल्टेज में 220 वोल्ट है, पावर क्या है 500 वॉट है, ये दोनों सेम है, इसलिए दोनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा सेम आएगा। अब इसको किस पे रखने को बोला है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने को बोला है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2। आर वन का वैल्यू हमने क्या निकाला है, आर वन का वैल्यू हमने निकाला है 96.8 प्लस आर टू का वैल्यू 96.8। अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को जोड़ दें तो हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए अगर उन दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो कितना आएगा 193.6, इसे हम जोड़ देते हैं तो यह जाएगा 193.6 ओम, ये हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल गया। अब एकदम सिंपल सी चीज, पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला देखिए, इससे पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से मैंने पावर निकाल लिया वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब देखेंगे कि यहाँ पे वी का वैल्यू क्या पुट करना है, तो इसे हमें किससे जोड़ने को बोला है, 110 वोल्ट सोर्स से जोड़ने को बोला है, तो ये हो जाएगा 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर का वैल्यू हमने निकाला 193.6। यहाँ से जो मुझे पावर मिलेगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, जो हमें पावर मिलेगा वो मिलेगा अपने को 62.5 वॉट। ये अपने को क्या मिलेगा 62.5 वॉट। और स्टूडेंट्स क्या किए, इसी ऑप्शन पे टिक करके आ गए। अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा है प्रत्येक बल्ब में शक्ति वह होगा, मतलब वो किस बल्ब की बात किया, एक एक बल्ब ईच बल्ब की बात की है। तो अपने पास दो बल्ब है तो क्या हो जाएगा, पावर को दो से डिवाइड कर देंगे
पावर को 2 से डिवाइड किए तो ये 62.5 डिवाइड बाई 2 करने से जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो जाएगा 31.25 वॉट। क्लियर? मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होके इस ऑप्शन पे टिक कर दिए थे 62.5 में, क्योंकि डायरेक्ट पावर यहाँ पे 62.5 आ रहा था, पर इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा 31.25 होगा। आई होप बच्चों ये सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। देख लीजिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो देखिए ये लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ? 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया था थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के टॉपिक से पूछा गया था। मैंने आपको बोला था कि लास्ट के जो इलेक्ट्रिक करंट वाले या कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट और थर्मल इफेक्ट और इफेक्ट का जो 3 चैप्टर है, उन तीनों चैप्टर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिर से उस टॉपिक का क्वेश्चन वो रिपीट किया, और इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के पेपर में पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 3.6 × 10⁶ जूल। बट इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आर इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट × 1 आर ऐसा लिख सकते हैं। 1 किलोवाट मतलब इसको मैं वाट में चेंज कर दिया तो ये क्या जाएगा, 10³ वाट। और आपको पता है 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, मैक्सिमम बच्चे 60 सेकंड कर देते हैं, पर एक्चुअल में 1 घंटे में 3600 सेकंड 3600 सेकंड होता है। इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10³ × 3600। यहाँ पे आ जाएगा वॉट इंटू सेकेंड। क्लियर? अब इसे हम सॉल्व किए ये हो जाएगा 36 × 10⁵ वॉट इंटू सेकेंड बराबर होता है किसके, जूल के। और इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3.6 × 10⁵ जूल। अब आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में हम आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 3.6 × 10⁵ जूल। मैंने आपसे ये डिस्कस किया था क्लास में भी, मैंने आप लोगों को ये सब बताया था कि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कोई भी पेपर पे आए हुए क्वेश्चन तो बिल्कुल आप नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से ये क्वेश्चन दिख गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन दिया हुआ था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, डिफेक्ट ऑफ आइस का क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला था, अ पर्सन नियर पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इज दिस, ये चीज बोला गया था। पावर ऑफ, अपने को चश्मे का पावर पूछा था यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे V का वैल्यू अपने को दे दिया है कितना, यहाँ पे अपने को V का वैल्यू दे दिया है 50 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और अपने को क्या बोला है, अपने को लीस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेंथ फॉर्मूला में पता है 1/F = 1/V - 1/U होता है, तो V के प्लेस में गए ये हो गया 50 सेंटीमीटर प्लस U का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/F = 1/25 - 1/50। लिख सकते हैं ऐसा, इसका एलसीएम ले लिए, ये आ गया 50, ये हो गया 2 - 1 और ये आ गया 1/50। यहाँ से हम F का वैल्यू देख सकते हैं कितना हो गया, ये 50 सेंटीमीटर आ गया 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, पावर बताना है। तो अपने को पावर का फॉर्मूला पता है, P = 100/F होता है। यहाँ से हम F का वैल्यू निकाल लिए कितना, F का वैल्यू हम निकाल लिए 50, तो यहाँ से P = कितना आ जाएगा, +2D। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देख लीजिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, एकदम सिंपल सी चीज है। अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे तो मैंने आपको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पूरा रे डायग्राम बताया है, और उसमें आप देखेंगे कि दो लेंसों का जो फोकस होता है, उन दोनों फोकस को ऐड करने से हमें क्या मिल जाता है, लेंथ ऑफ ट्यूब L का वैल्यू मिल जाता है, जिसका फॉर्मूला था FO + FE।
यहाँ पे जो एफ ओ होता है वो होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और जो एफ ई होता है वो होता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस या आई लेंस। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और आई लेंस और लेंथ ऑफ ट्यूब, देखिए लेंथ ऑफ ट्यूब कैसे निकला है, हम इन दोनों फोकस लेंथ को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब दोनों फोकस दूरियों का योग। क्लियर? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर फिर से अगर रीड किए होंगे तो ये क्वेश्चन फिर से अपने को रिपीटेड दिखा होगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। यहाँ पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मतलब जो अपने को एंगल ऑफ आई मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा 45 डिग्री। और जो म्यू होता है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, प्रिज्म का। क्लियर? अब हमें क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, मतलब इस म्यू का वैल्यू पूछा गया है। इस म्यू का वैल्यू पूछा गया है तो अपने को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताना है। ठीक है, अगर मैं इसको आई को क्रिटिकल एंगल के बराबर लूं, अपने को आपतन कोण का मैक्सिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर लेंगे, तो हमें क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है, म्यू इक्वल टू 1/sin c होता है। ठीक है, तो आई के प्लेस में क्या यूज़ कर रहा हूँ, सी यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे आई का वैल्यू पता है कितना होता है, 45 डिग्री। यहाँ पे ये म्यू आ गया। अब साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। इसका एक लॉन्ग, मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से आंसर बताया, इसका एक प्रॉपर मेथड है जो हम अपलोड कर देंगे, उस चीज़ को भी हमारे ग्रुप में हमारे बच्चों के पास वो चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीका कैसे आप कंपटीशन एग्जाम में इन चीज़ों का आंसर निकालेंगे, तो वो तरीका मैंने बताया। डायरेक्ट आप क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले में पुट करते, सी इक्वल टू आई ले लेते, आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मिल जाता। और यहाँ पे अगर आप एयर टू ऐसा ग्लास वाला ऐसा बनाएंगे, प्रिज्म वाला बनाएंगे, तो भी मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, म्यू स्नेल का नियम, म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। ठीक है, इस म्यू का वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू 45 डिग्री है। चलिए इसको भी समझते हैं, ये वाले पोर्शन को भी समझते हैं, अपलोड क्या करना, इन चीज़ों को समझ ही लेते हैं। अपने को स्नेल का नियम पता है, म्यू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर होता है। ठीक है, इस मटेरियल का अपने को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चाहिए, ये मटेरियल अपना एयर है। ठीक है, तो हो जाएगा म्यू साइन आई क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री, म्यू ए का वैल्यू होता है 1, और आर का वैल्यू हमें पता है कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 90 का 1, मतलब यहाँ 1 आ गया, देन म्यू इक्वल टू ये √2 आ गया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू √2 ही आ रहा है। क्लियर हुआ बच्चों, ये चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ें हमने देख ली, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू √2 आया। अब हम किस में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव लिखा हुआ है, अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वायलेट रेन, क्वेश्चन को आप रीड करिए ना, मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बस। क्या लिखा हुआ है, किसी कांच में बैगनी रंग और लाल रंग का अपवर्तनांक, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब म्यू की बात किया है, अपने को म्यू वी दिया हुआ है 1.66 और म्यू आर दिया हुआ है 1.64, ये दो वैल्यू दिया गया। ए का वैल्यू दिया गया, प्रिज्म एंगल को ए से डिनोट किया जाता है, ये दिया हुआ है 10 डिग्री, और क्या पूछा है, एंगुलर डिस्पर्सन जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू वी का वैल्यू 1.66 माइनस 1.64,
ए का जो वैल्यू था वो ए दिया हुआ है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 0.02 इंटू 10 और यह आ जाएगा 0.0 इसको आप कैलकुलेट करने से थीटा का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.20 डिग्री। आप बीकेसीआई का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको उसमें दिखा होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए ऑप्शन सही हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या बोला है? टू आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल वी। सेम पोटेंशियल की बात किया है। इसका सॉल्यूशन ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन को समझिएगा, इसको हम डील करते हैं। अभी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इस ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं ना, थोड़ा सा लेंदी है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ये उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हम दो ड्रॉप की बात की, हम यहाँ पे दो ड्रॉप नहीं लेके चलते, हम कितने ड्रॉप लेके चल रहे हैं? एन ड्रॉप लेके चल रहे हैं। कितने ड्रॉप लेके चल रहे हैं? एन ड्रॉप लेके चल रहे हैं। लास्ट में एन का वैल्यू हम कितना पुट कर देंगे? एन का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम अपने को पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वी का वैल्यू हमें पता है क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। ये चीज़ मैंने आपको जब हम देखे थे क्या ग्रेविटेशनल वाला पार्ट देखे थे तो वहाँ पे भी ये वॉल्यूम यूज़ हुआ था, तो हमने वो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था कि क्या हो जाएगा, एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब हम कितने ड्रॉप की बात कर रहे हैं? एन ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया? एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा हो गया। अब हमने क्या किया, देखिए 4/3 को मैंने सेपरेट लिया, पाई को सेपरेट लिखा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर r के पावर को हटाऊँ तो n के पावर में 1/3 ऐसा लिख सकता हूँ भाई। अगर यहाँ पावर 3 रखेंगे, 3 से 3 कट के फिर वही टर्म आ जाएगा। देखिए समझिए, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, r^3 और l लिखा हुआ है। इसे मैंने क्या लिख लिया, n के पावर में 1/3 लिख लिया और इसे r मान लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए वही चीज़ को हमने क्या मान लिया, कैपिटल R मान लिया। कैपिटल R को मैंने ये मान लिया n के पावर में 1/3 एंड स्मॉल r, क्लियर। और हमें पोटेंशियल विभव का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता हुआ है। विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, KQ/R, वी इक्वल टू KQ/R होता है, क्लियर। अब देखिए दो ड्रॉप है तो n ड्रॉप के लिए हम एन आर लिए, अभी ड्रॉप दो ड्रॉप की बात नहीं कर रहे हैं ना, तो विभव क्या हो जाएगा, K के प्लेस में K, जो आवेश था जो चार्ज था वो एन क्यू हो जाएगा, ठीक है। और जो R का वैल्यू हमने निकाला है वो क्या निकाला है, n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, क्लियर। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा, n इसको ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, n टू द पावर -1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, KQ/R, और ये किसके बराबर है, ये पूरा टर्म v के बराबर है। देखिए इस पोटेंशियल के बराबर है, विभव के बराबर है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, n टू द पावर 2/3 इंटू वी। और क्वेश्चन को रीड किए तो n इक्वल टू 2 लेने को बोला है, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया तो 2^2/3 इंटू वी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखिए आंसर आया है 2^3 इंटू वी, क्लियर हुआ ये बच्चों? उस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, उस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आप क्वेश्चन देख के घबरा गए, अगर क्वेश्चन को समझते तो आसानी से बन जाता। देखिए क्या बोला है, ये पूरा लेंथ कितना होता है, l होता है, ये पूरा लेंथ l हमने मान के चला, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, l/2, ये लेंथ कितना हो जाएगा, l/2। अगर लेंथ आधा हो गया तो इसका एरिया भी a/2 हो जाएगा, इसका एरिया भी a/2 हो जाएगा। इन दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन को क्या लिया है, डी लिया है। धारिता की बात किया है, समांतर प्लेट संधारित्र लिखा हुआ था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखा हुआ था। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी होता है। और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, के लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमें पैरेलल सीक्वेंस में जोड़ने को बोला है, तो पैरेलल सीक्वेंस में सी नेट इक्वल टू क्या होता है, C1+C2। यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए भाई, पहले वाले प्लेट के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 था, तो दिस इज K1, अब सैलन नॉट ए का वैल्यू a/2 है, डिवाइड बाई ये हो गया d, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये k2, अब सैलन नॉट इसका एरिया भी a2 है,
और इसका भी सेपरेशन कितना है, डी। कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लिए, कॉमन फैक्टर क्या क्या बाहर आ रहा है, अब एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, ए बाहर आया, और ये क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ए बाई 2 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2 आ जाएगा भाई। अब हम ऑप्शन से मैच करते हैं, इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, और इसे हम लिख सकते हैं k1 प्लस k2 डिवाइड बाई, ये आ गया अपना रिजल्टेंट कैपेसिटर, किस में आ गया, फैराड में। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना था, पूरा क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं था, कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ के हम इसका आंसर एकदम इजी गोइंग निकाल सकते थे। अब ये बात करेंगे किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो अपन क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे, स्थिर विद्युत पढ़े थे। तो स्थिर विद्युत में मैंने आपको पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल ये चीज़ें बताई थी, तो ये पैरेलल प्लेट का क्वेश्चन था, और मैंने आपको बोला था कि अगर न्यूमेरिकल आएंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही आता है न्यूमेरिकल, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये आ गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग ये लिखा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग का जो फॉर्मूला होता है, एकदम सिंपल सा चीज है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से वो चीज बताते जा रहा हूं कि आपको पेपर में कैसा सॉल्व करना था, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी डील करेंगे। फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस, अगर आइसबर्ग है तो ऊपर अपन आइस ले लिए, नीचे वाटर था तो सॉरी वॉल्यूम होता है, ये मैंने एफ लिख लिया, डेंसिटी ऑफ आई, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी अपने को दिया हुआ है, सिर्फ पुट करना था। देखिए आइस के लिए दिया हुआ है 0.9, ये हो गया 1 माइनस 0.9, वाटर के लिए दिया होगा क्या, दिया है 0.1 दिया हुआ है, 1.1 दिया हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 11, इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 11 माइनस 9 डिवाइड बाई 11, और ये आ जाता कितना, 2 बाई 11, तो 2 बाई 11 ऑफ वॉल्यूम आंसर हो जाता। ऑप्शन आप देखेंगे सी ऑप्शन में टिक किया गया है, और सी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट है, 2 बाई 11 इसका आंसर होगा। इसे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही बना सकते हैं, VDG वाले से, दोनों तरफ को इक्वेट करेंगे VDG ऐसा करके, डेंसिटी रखेंगे, वॉल्यूम रखेंगे, उससे भी आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी आपको क्या रखना है, यहाँ पे आइस का 0.9 रखना, यहाँ पे आप डेंसिटी क्या रखेंगे, 1.1 रखेंगे, और ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तो यही वाला टर्म ही आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, दिमाग क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, आप समझिएगा बस उस कैलकुलेशन को, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पे अपने को एंगल दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे हमने ब्लॉक रख दिया, जैसे हमने ब्लॉक रख दिया, एक ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है, इस ब्लॉक में सरफेस के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ से हमने इसको एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया, ये स्ट्रिंग से जोड़ दिया, ये ब्लॉक ऑफ ए था, ये ब्लॉक ऑफ या ए ब्लॉक इसको हम ले लेते हैं, ये बी का ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या फोर्स एक्ट करेंगे, सबसे पहले जो W होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, आपको पता है। अब इस W के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W cos 30 बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो 30, ये एंगल क्या हो जाएगा, W sin 30, क्लियर। यहाँ पे हो जाएगा ये W नीचे आ जाएगा, बस यहाँ पे ये क्या होगा, W B होगा, ये सब A है ना, ये A होगा, ये ए होगा ऐसा, ये भी ए, ये ए ब्लॉक था इसलिए, ठीक है। अब आप समझिएगा, देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ लगता है, सरफेस के 90 डिग्री पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ आना चाहता है तो टेंशन यहाँ पे ऐसा लगेगा टी, यहाँ पे टेंशन ऐसा लगेगा टी। अब ये चीज़ समझिएगा, अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें ऐसा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, स्मॉल एफ ऐसा ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो हम देख सकते हैं इस ब्लॉक को बैलेंस कौन कौन कर रहा है,
टी और एस एक डायरेक्शन में, मतलब टी भी इस डायरेक्शन में, एस भी एक डायरेक्शन में, बस इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, डब्ल्यू। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बना सकता हूँ, डब्ल्यू बी इक्वल टू टी प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल एफ। अब हमें टी और एफ का वैल्यू चाहिए, टी का वैल्यू क्या होगा, देखिए टी यहाँ पे किसके बराबर है, डब्ल्यू साइन थीटा के बराबर है, तो मैंने टी के प्लेस में लिख लिया डब्ल्यू ए साइन थीटा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें पता है म्यू इंटू आर होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। बस भाई पुट करते जाइए, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए साइन थीटा प्लस म्यू, आर किसके बराबर है, डब्ल्यू ए कॉस थीटा के बराबर है। थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है यहाँ से, डब्ल्यू ए कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 आ जाएगा, ऐसा साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 आ जाएगा, समझ रहे ना बच्चों, साइन 30 प्लस म्यू कॉस 30 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम को मैं रफ करता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं इसको। चलिए बच्चे आगे को कैलकुलेशन अब हम आगे बढ़ाते हैं। चलो अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया W इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, एम इंटू जी, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी जी, बी फॉर ब्लॉक बी ना, ये बी ब्लॉक है इसका मास, ठीक है, इक्वल टू W A की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट बच्चों यहाँ पे प्लस नहीं, एक मिनट फ्री बॉडी डायग्राम अपने को फिर से बनाना पड़ेगा, कुछ इसमें गड़बड़ है, वो चीज़ को समझते हैं, देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ये अपना 30 डिग्री था, ये अपना 30 डिग्री था, ये ब्लॉक था, ये स्ट्रिंग था, यहाँ पे ये बी ब्लॉक था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, W साइन थीटा था, यहाँ पे अपना था W कॉस थीटा, ये था अपना W और ये था अपना R, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग में T लग रहा था, F लग रहा था, और यहाँ पे ऐसा T लग रहा था, और ये यहाँ पे क्या लग रहा था, W B लग रहा था। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आता, देखिए T का W का डायरेक्शन ये है, T का डायरेक्शन ये है ऐसा, और यहाँ पे अगर F ऐसा घूम के आएगा तो F का डायरेक्शन भी ये होगा, तो हम क्या लिखेंगे, W B प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू T, तो यहाँ से W B इक्वल टू क्या आता, T माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आता, अपन प्लस ले लिए थे, वहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये टी किसके बराबर है, डब्ल्यू ए साइन थीटा के बराबर, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए साइन थीटा, और एफ इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर, आर किसके बराबर है, डब्ल्यू ए कॉस थीटा के बराबर, डब्ल्यू ए कॉस थीटा के बराबर। चलिए कॉमन क्या निकल गया, यहाँ से कॉमन निकल गया अपना, डब्ल्यू ए कॉमन निकल गया, इन ब्रैकेट क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब एम बी जी इक्वल टू एम ए जी इन ब्रैकेट, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, म्यू का वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में, देखिए घर्षण गुणांक म्यू का वैल्यू दिया है 0.2 और कॉस 30 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम बी इक्वल टू एम ए का वैल्यू दिया होगा, मास ऑफ ब्लॉक ए, मास ऑफ ब्लॉक ए दिया हुआ है 10 kg, ये हो गया 10, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, माइनस ये हो गया 0.2 और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, क्लियर। इसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने से अपने पास आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया एम बी इक्वल टू, ये 10/2 अगर इंटू करो तो ये 10/2 यहाँ पे हो गया 5, माइनस यहाँ पे 2/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा √3,
रूट थ्री का वैल्यू कितना होता है, 1.732, अपन सिर्फ 7 लेके चलते हैं, तो एम बी का वैल्यू आ जाएगा 3.3 kg। आंसर कितना गया, 3.3 kg। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा 3.3 kg, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 3.3 kg। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो, इस चीज़ को आप समझिएगा। बस यहाँ पे अपने को नेट फोर्स निकालना था, यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू बी नीचे लग रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसी दिशा में लग रहा है, और टी ऊपर की तरफ लग रहा है, लग रहा है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको समझिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को पता है जो फोर्स होता है वो आई इंटू टाउ के बराबर होता है, फोर्स जो होता है आई इंटू टाउ के बराबर होता है, मतलब ये टाउ यहाँ पे कि टॉर्क है, बल युग्म है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई, और बल युग्म का फॉर्मूला पता है एम बी साइन थीटा होता है, क्लियर, एम बी साइन थीटा होता है। अब क्या क्या बोला है, पी क्यू को लेने को बोला है, आई क्यों लिए, क्योंकि आई करेंट अपने को दिया हुआ है ना ऐसा यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ सबसे पहले मैं ले लेता हूँ पी क्यू को, पी क्यू लिया, पी क्यू में यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट वाले डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना बन रहा है, 0 डिग्री, तो यहाँ पे जैसे ही मैं पुट करूँगा तो ये आई एम बी ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, तो एफ पी क्यू इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 0, बिकॉज साइन ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, तो यहाँ पर आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पर पुट करिए एफ इक्वल टू आई एम बी साइन 90, साइन 90 हम पुट करेंगे तो एफ इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, आई एम बी, बिकॉज साइन ऑफ 90 इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ये जो एफ मिला अपने को किसके लिए मिल गया, नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट टर्म के लिए मिल गया है, क्यू आर के लिए मिल गया मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड बोलता, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर बोलता तो मुझे सेपरेट आंसर मिल गया, बट यहाँ पे क्या बोला है कि ये देखिए बल का अनुपात होगा, ये बोला है अनुपात पूछा है, मतलब पी क्यू डिवाइड बाई पी आर, सॉरी क्यू आर पूछा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाई आई एम बी आ जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको ए के बराबर लेने बोले, ठीक है, क्लियर। पी क्यू और क्यू आर पर लगने वाले बल का अनुपात, अगर सिर्फ बल पूछता पी क्यू में 0 होता, क्यू आर में आई एम बी होता, पर अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या, जो फोर्स नेट फोर्स जो एफ का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, क्लियर। एक नॉर्मल आई इक्वल टू टाउ, या सिर्फ टाउ भी रखते ना, बल युग में आपको टाउ पता है, इस फॉर्मूले से अभी आप बना लेते साइन थीटा तो आपको आंसर मिल जाता, एक केस में 0 मिलता, दूसरे केस में एम बी मिलता। ये सब चीज़ें हमने आपको 12th चैप्टर जब डिस्कस किया था तो टॉर्क के बारे में हमने आपको वहाँ पर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये फिर से रिपीट हुआ है, एकदम मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। क्या बोला है, टेंजेंट लॉ पे बेस्ड गैल्वेनोमीटर, बेस्ड ऑन टेंजेंट लॉ इज कॉल्ड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्शजीय धारामापी होता है। क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ था, सीधा टिक करना था बी ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिए भाई ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिक्कत है, हमने इस क्वेश्चन पे नहीं, ये नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कोई आइस है वो मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे आइस है, ये मेल्ट होके सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर स्टेट चेंज होता है तो हमें जो हीट मिलता है उसका फॉर्मूला होता है m into L, रिक्वायर्ड हीट ड्यूरिंग स्टेट चेंज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर m into L, वेयर L इज लेटेंट हीट ऑफ आइस, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 kg, लेटेंट हीट ऑफ आइस 80, ये कितना हो जाएगा 80 कैलोरी, क्लियर। अब हमने क्या बना लिया, आइस को वाटर बना लिया, उसके बाद हमें फॉर्मूला पता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर, T1 - T इक्वल टू m2s2 इन ब्रैकेट T - T2 इक्वल टू जितना हीट ऑलरेडी वो क्या कर चुका है, ले चुका है, गिवन हीट इक्वल टू टेकन हीट होता है। ये हो गया 1 ग्राम ऑफ वाटर, जो आइस था वाटर बन गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, T1 का वैल्यू दिया है 0, ये मिक्सचर टेम्परेचर T का वैल्यू निकालना है, m2 इक्वल टू दिया हुआ है 9 kg ऑफ वाटर,
स्पेसिफिक हीट वाटर का 1 होता है, टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 50, हमने ऑलरेडी कितना हीट ले चुका है 80 कैलोरी हीट हमने ले चुका है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस टी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 450 प्लस 80, 90 को आप उधर ले जाइए, ये हो जाएगा माइनस 10 टी। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा माइनस 370, ये माइनस कैंसल, टी इक्वल टू आ जाएगा 37, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 37 डिग्री। मैंने क्लास में आपको एक इजी तरीका भी इसका बताया था, मैंने आपको बताया था टी इक्वल टू जैसे मैंने इसको क्यू वन मान लिया और रिक्वायर्ड हीट हमने निकाल लिया क्यू टू, रिक्वायर्ड हीट का फॉर्मूला क्या होता है एम एस डेल थीटा, एम का वैल्यू डायरेक्ट वाटर का वैल्यू या जो भी अपने को दिया हुआ वो ले लिए, ये हो गया 1। और यहाँ पे अपने को क्या करना था, वाटर 50 डिग्री सेल्सियस है और ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो 50 माइनस 0 कर देना था, तो यहाँ पे Q2 अपने को क्या मिल जाता, Q2 मिल जाता 450। तो मैंने आपको T निकालने का सिंपल तरीका बताया था, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई जो मास है उसको आप जोड़ दीजिए, तो Q2 का वैल्यू 450 और Q1 हमने जो लेटेंट हीट निकाला हुआ था वो 80, एम को हम जोड़ देते तो यहाँ पे 9 आ जाता, 9 प्लस 1, ठीक है, एक 9 किलो था और एक कितना था 1 किलो था, तो 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, ये हो जाता 370 डिवाइड बाई 10 और आपका जो टी का वैल्यू था वो अपने को 37 डिग्री ईजिली मिल जाता, ये मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी बच्चों प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया था, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस देख लिए होते तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ आइस एट बेस लो, क्या बोला है एकदम सिंपल सी चीज, क्या बोला है इसमें, एक बड़ा हिमखंड नीचे तली में पिघल जाता है परंतु शिखर पर नहीं पिघलता, क्यों भाई, उसको शिखर पर रखेंगे तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हायर प्रेशर होगा, जिसके कारण जो उसका मेल्टिंग पॉइंट, नीचे का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो क्या होगा कि वो टॉप पे रखने से नहीं पिघलेगा, उसको हम डुबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी पिघल जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मूवेबल पुली ये होता है 2, मैंने आपको क्लास में ये चीज बताया था, पूरा सॉल्व करके बताया था कि ये 2 क्यों होता है, या फिर ये सीधा सीधा आपको याद होना चाहिए, अगर वो स्टेबल है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, इन केस ऑफ स्टेबल, अगर स्थिर गिरनी है तो 1 होगा, और मूवेबल के केस में मैंने आपको क्या बताया था, वो 2 होगा, ठीक है। ये थ्योरी क्वेश्चन फिर से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी एकदम आसान सा चीज़ है, हाइट और डेप्थ की बात किया था, रेडियस यहाँ पे क्या बोला था, बहुत कम है, स्मॉलर रेडियस बोला था, इस रेडियस क्या है, बहुत कम है, रेडियस ऑफ अर्थ इज स्मॉलर कहा गया था। तो अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 h बाई r, और अगर डेप्थ की बात करें, डेप्थ में x लेने को कह दिया, डेप्थ में x लेने को कहा गया है, ठीक है, अगर हम x ले लें तो ये क्या हो जाएगा, जी 1 माइनस यहां पे d होता है, हमने क्या लेंगे, x डिवाइड बाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पृथ्वी के सतह के ऊपर h ऊंचाई पर g का मान परिवर्तन उसके सतह के नीचे x गहराई पर बराबर है, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, ये बोला है ऊंचाई और गहराई का मान दोनों बराबर है, मतलब जी एच इक्वल टू हमें क्या लेने को बोला भाई, जी एक्स लेने को बोला है, पुट कर दीजिए वैल्यू, जी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 h बाई r इक्वल टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस x बाई r। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये जी से ये जी कैंसिल हो रहा है, अपने पास क्या बच जाएगा, 2 h डिवाइड बाई r, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस x डिवाइड बाई r। साइड चेंज करके आप कैलकुलेट करिए, x इक्वल टू 2 h आ जाएगा, और ये हमारे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, मतलब इसका आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्लियर हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है, 2 थर्मल कंडक्टिविटी अपने वो K1 और K2 दिया हुआ है, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जोड़ा गया है, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि अगर हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जोड़ते हैं
पैरलर कॉम्बिनेशन पे जोड़ते हैं तो जो रिजल्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो होता है के वन प्लस के टू डिवाइड बाई टू। और आप देखेंगे कि ये ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है कहीं, ये ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और हम सीरीज़ की अगर बात करें, सीरीज़ की बात करें तो ये होता है टू के वन के टू डिवाइड बाई के वन प्लस के टू। हमने आपके नोट्स में ये स्टार पॉइंट बना के ये दोनों पॉइंट लिखाया था, तो उसमें देखेंगे भाई पैरलर कॉम्बिनेशन पे बोला है पर कहीं भी अपने को ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है, इसने हमारी संस्थान ने इस क्वेश्चन पे स्टार लगाया है और इसका सही आंसर होगा के वन प्लस के टू डिवाइड बाई टू। ये पैरलर कॉम्बिनेशन पे जुड़ा हुआ है तो के वन प्लस के टू डिवाइड बाई टू होता, अगर सीरीज बोला होता तो हम डी ऑप्शन के साथ जाते, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, हमने इस क्वेश्चन को क्या दिया है स्टार दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ये न्यूटन्स कूलिंग लॉ का क्वेश्चन है, न्यूटन के शीतलन नियम का क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को फॉर्मूला क्या अपने पता है, थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइड बाई टी होता है इक्वल टू के इन ब्रैकेट थीटा वन प्लस थीटा टू डिवाइड बाई टू माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। वेयर थीटा इज एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, वातावरण का ताप या सराउंडिंग टेम्परेचर होता है। और यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट केस में हम जाएंगे तो थीटा वन का वैल्यू क्या लिया गया है 91 डिग्री, थीटा टू का वैल्यू क्या लिया हुआ है 89 डिग्री, ये चीज़ लिया हुआ है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को मैं ऐसा डील इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम के की वैल्यू तो निकाल देते हैं, के का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा, पर जैसे ही हम इसके सेकेंड कंडीशन पर जाएंगे थीटा वन 71 डिग्री और थीटा टू पे गए 61 डिग्री और इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको जो रिजल्टेंट टेम्परेचर टाइम जो अपने को टी निकालना था वो इन चारों ऑप्शन में नहीं आता, इन चारों ऑप्शन में नहीं आता है। अब हमारी संस्था द्वारा इन क्वेश्चन पे कुछ रिसर्च किया गया, कुछ खोजबीन किया गया कि क्या गलत हो सकता है, तो हमने ये पाया अगर 91 डिग्री सेल्सियस से इसे 89 डिग्री सेल्सियस की जगह 81 डिग्री सेल्सियस किया जाता तो इसका आंसर 7 मिनट के आसपास आ जाता, इसका आंसर 7 मिनट के आसपास आ जाता। इसलिए हमारी संस्थान ने इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, स्टार क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसके कैलकुलेशन पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता या जो आंसर आता है वो इन चारों ऑप्शन से मैच नहीं करता है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये 89 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 81 डिग्री सेल्सियस होना था तो इसका एग्जैक्ट आंसर 7 मिनट के आसपास आपका आ जाता। ठीक है, समझ गए इन चीज़ों को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए जो क्वेश्चन था किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को देख के व्हीट स्टोन ब्रिज लगाए होंगे और व्हीट स्टोन ब्रिज से इसका आंसर नहीं आता है। ये क्वेश्चन किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है, किरचॉफ के करंट लॉ लूप लॉ से ये क्वेश्चन बनेगा या स्टार डेल्टा, ये स्टार डेल्टा वाला एक टॉपिक होता है उससे भी बनेगा। तो हमने स्टार डेल्टा वाले टॉपिक को क्लास में कवर नहीं किया था, हमने किरचॉफ लॉ को कवर किया था और किरचॉफ लॉ से मैंने इसका सोल्यूशन आपको ये देखिए इस प्रकार से बताया है, थोड़ा सा इस सॉल्यूशन को समझेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने R का वैल्यू लास्ट में पुट किया है, हमने R रेजिस्टेंस को R लेके चला है और R का वैल्यू लास्ट में पुट किया है, ये देखिएगा मैंने यहाँ पे तीन लूप बनाया, एक लूप ये बनाया, दूसरा लूप ये बनाया और तीसरा लूप ये बनाया, ये तीन लूप लेके चले। अगर हम प्लस से माइनस के तरफ चले तो इसको हमने पॉजिटिव साइन के साथ लिया है, माइनस से प्लस के तरफ चले तो इसको निगेटिव साइन के साथ लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें पता है कि जैसे हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस माइनस, ये करंट का डायरेक्शन प्लस माइनस, ये डायरेक्शन प्लस माइनस, ऐसा हो गया। हमने यहाँ पे आई करंट इस सर्किट को दिया, इस बैटरी से आई करंट इस सर्किट को दिया, सबसे पहले हमने एज्यूम किया है ये ई बैटरी से कनेक्ट है, हमने कनेक्ट कर दिया किससे, ई बैटरी से इस पूरे सर्किट को कनेक्ट कर दिया। देखिए आई वन करंट इधर गया तो इसका कुछ भाग इधर आ जाएगा, I1 करंट तो इधर चला गया तो इसका कुछ I का एक भाग इधर गया तो इसका आधा भाग इधर आया, तो कितना भाग इधर आएगा, I माइनस I1 इधर आ जाएगा और वही I माइनस I1 करंट इसमें भी जाएगा जाएगा। अब देखिए I1 करंट यहाँ तक आ गया, I2 इसमें गया तो I1 का एक भाग इधर चला गया, I2 से I1 माइनस I2 वाला भाग इधर आ गया, वही करंट इसमें भी गया और इसमें भी गया, गया ऐसा, वही हमने अब यहाँ पे लूप लगा लिया है। देखिए प्लस से माइनस की तरफ गए तो हमने पॉजिटिव साइन लिया है, माइनस से प्लस की तरफ गए तो हमने निगेटिव साइन लिया है
आ जाइए, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आई वन आर का होगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई वन करेंट क्या, आई वन माइनस आई टू इंटू आर, वैसे यहाँ पे आ गए, माइनस से प्लस की तरफ गए, माइनस साइन लिए, ये हो गया आई वन माइनस आई वन इंटू रेजिस्टेंस, और सेम चीज़ यहाँ पे भी हुआ। यहाँ से हमने एक रिजल्टेंट इक्वेशन बना लिया, फोर आई वन माइनस आई टू इक्वल टू टू आई, और ये अपना क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, हो गया। वैसे हम सेकेंड लूप में देखेंगे, तो सेकेंड लूप में देखिए ये दोनों करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर टू आर हो गया, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई टू करंट, तो ये देखिए टू आई टू आर हो गया। इसमें आ जाइए, माइनस से प्लस की तरफ गए तो माइनस साइन हो गया, करंट क्या है आई माइनस आई टू, रजिस्टेंस क्या है आर, यहाँ पे आ गए करंट आई वन माइनस आई टू था, रजिस्टेंस क्या हो गया आर, इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गया, माइनस आई वन प्लस फोर आई टू इक्वल टू आई। अब थर्ड लूप की बात करिए, ये देखिए थर्ड लूप चल रहा है, थर्ड लूप में हम देखेंगे ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो हम इन दोनों के वैल्यू को जोड़ लिए, तो आर और आर क्या हो गया टू आर, और यहाँ पे करेंट क्या था आई माइनस आई वन, ये करेंट था, क्लियर, तो ये हो गया टू आर, करेंट क्या हो गया आई माइनस आई वन। यहाँ पे आ जाइए प्लस से माइनस की तरफ पॉजिटिव साइन, ये हो गया आई माइनस आई टू इंटू आर, अपना थर्ड इक्वेशन बन गया, बन गया। अब क्या किए, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो डिवाइड रूल से, डिवाइड रूल से इक्वेशन सॉल्व करने से हमें आई वन का वैल्यू मिलेगा थ्री बाई फाइव आई, और आई टू का वैल्यू मिलेगा टू बाई फाइव आई, ये दोनों अपने को मिल गया। अब इन दोनों वैल्यू को मैं क्या किया, इक्वेशन थ्री में पुट कर दिया, इक्वेशन थ्री में आई की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ये सब वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया। देखिए ये वैल्यू को पुट करके हमने यहाँ पे ई एम एस का वैल्यू, ई का वैल्यू निकाल लिया कितना, सेवन बाई फाइव, ये निकाल लिया सेवन बाई फाइव आई आर, अपना काम हो गया खत्म, ठीक है। उसके बाद हमने ये माना कि हमें किसके किसके बीच में चाहिए, ये ए पॉइंट था, इधर का ये बी पॉइंट था, तो हमें ए और बी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो हमने ये मान लिया कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, आर डैश के बराबर। मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या मान लिया, आर डैश मान लिया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, तो मुझे V इक्वल टू आई आर होता है, R को हमने क्या मान के चला है, आर डैश मान के चला है, और यहाँ पे जो बैटरी लगा है वो E लगा हुआ है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर डैश हो जाएगा। बैटरी हमने यहाँ पे E लगाया है ना, ओम के नियम से हमें पता है V इक्वल टू आई आर डैश होता है, बट हमने बैटरी यहाँ पे क्या लगाया है, E लगाया है, तो आई आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इक्वेशन फोर मिल गया, इक्वेशन फाइव को इक्वेट कर देते हैं, देखिए यहाँ भी E है यहाँ भी E है, तो हमको क्या मिल जाएगा, आई आर डैश इक्वल टू सेवन बाई फाइव इंटू आई, एक एक आई से एक आई कैंसिल, देखिए ये वाला आई और ये वाला आई कैंसिल मैंने किया है, आर डैश इक्वल टू कितना मिल गया, सेवन बाई फाइव इंटू आर मिल गया, आर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइव ओम, और इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आर डैश इक्वल टू सेवन ओम, आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेवन ओम। इस हिसाब से हम इसका ऑप्शन देखेंगे, तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा सही है ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेवन ओम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन, मैंने 19 क्वेश्चन को डील कर दिया, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये देखिए भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, टू से टू बैटरी लेने को बोला है, ये हमने पहला बैटरी ले लिया, ये हमने दूसरा बैटरी ले लिया, ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जोड़ने को बोला है, हमने इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ऐसा जोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला है, इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ना है, हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया, ये हो गया स्मॉल आर, दिस वन इज ई, दैट इज स्मॉल आर, ये भी क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। अब हम अगर इसका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या निकाल लेना हूँ, नेट ईएमएफ निकाल लिया, नेट ईएमएफ निकालूंगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे पता है जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइड नहीं होता, तो ये ई ही होगा, और जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा नेट आर हो जाएगा, वो अपना कितना आ जाएगा, आर डिवाइड बाई टू आ जाएगा, आर बाई टू आ जाएगा भाई, वो आपको फॉर्मूला पता है ना, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जुड़ा हो तो क्या होता है, आर बाई एन होता है,
और कितने रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, तो एन की प्लेस में मैंने टू रख दिया, तो जो हमारा नया डायग्राम बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हो जाएगा R बाई टू, दैट इज E, और ये अपना क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है प्रतिरोध को अधिकतम शक्ति डिलीवर होगा, R का वैल्यू पता है। देखिए अगर हम एक सिंपल सा लॉजिक, एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो चीज़ लगाएं, तो हमें पता है कि जो R इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो R इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो R लोड के बराबर होता है मैक्सिमम के केस में। अगर मैक्सिमम केस की बात किया जाए तो जो R इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो R लोड के बराबर होता है। R लोड के बराबर हो तो अब देखिए R लोड ही अपने को पावर ही निकालना है, लोड ही निकालना है, तो देखिए R इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकला है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R बाई टू निकला है, तो हम यहाँ पे R बाई टू पुट कर दिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कौन से ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे लगाओ, या आप यहाँ पे I निकाल लीजिए, I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा R बाई टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2E डिवाइड बाई R प्लस R, यहाँ पे हो जाएगा 2R। ठीक है, वोल्टेज निकालना है अपने को, वोल्टेज निकालने के लिए फिर E इक्वल टू, अगर देखिए उस पर अपने को क्या पता है, ये सब चीज़ें पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, यहाँ से हम वोल्टेज निकालेंगे क्या हो जाएगा, वोल्टेज E सॉरी V का वैल्यू निकालेंगे, V इक्वल टू जाएगा E माइनस आई आर, ऐसे करके वोल्टेज निकालेंगे, फिर पावर निकालने के लिए V इंटू आई कर देंगे, पावर निकल जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के बजाय हम क्या याद कर लेंगे, जो R इंटरनल होता है वो R लोड के बराबर होता है। R लोड के बराबर हुआ तो R लोड कितना हो जाएगा अपना, R बाई टू हो जाएगा, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस अपना क्या निकला हुआ है, R बाई टू निकला है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए बच्चों इस तरीके से हमने फिजिक्स के पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, मैंने फिजिक्स के पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया और प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ, प्रॉपर रीजन के साथ मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शन क्यों होगा, दो क्वेश्चन में स्टार क्यों लिया गया ये भी हमने देखा। आप इस आंसर से अपना OMR सीट मैच करिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपका फिजिक्स का पेपर अच्छा गया होगा। बिल्कुल ये मान सकता हूँ कि पेपर लेंदी था, टफ तो नहीं था, पेपर बहुत लेंदी था, बहुत लेंदी क्वेश्चन, हायर लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस सॉल्यूशन से आप बिल्कुल अपने OMR सीट को मैच कर लिए और देखिए कि आपका कितना मार्क्स आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट हम केमिस्ट्री सेशन के लिए जुड़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए उम्मीद करती हूँ आपसे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बना होगा और आज उसका हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे आपके साथ लाइव क्लास पे। चलिए तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों इसमें ऐसा है कि जो थ्योरी है, ठीक है, मुश्किल से हमारे पास चार से पाँच न्यूमेरिकल है जो इजी इजी थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एन पी के खाद बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। इसमें आपको मिलाया गया यौगिकों को मिलाने पर 4:2:1 में क्या मिलाया जाएगा, तो एन पी के बनेगा। ठीक है, तो एन पी के बनाने के लिए आपको चाहिए, एन पी के मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास, ठीक, तीनों उर्वरकों का मिश्रण। तो तीनों उर्वरकों का चारों ऑप्शन में देखना है हमको कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारे तीनों उर्वरकों के नाम है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका, ये तो देखते साथ आपको समझ में आ गया होगा, अमोनियम सल्फेट जो कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, कैल्शियम फास्फेट जो कि पोटास युक्त होता है, और पोटेशियम क्लोराइड यानी कि MOP जिसको हम बोलते हैं पोटास युक्त उर्वरक, यानी कि NP और K, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम फास्फेट और पोटेशियम क्लोराइड, ये तीनों को जब आप मिलाएंगे तो NPK का उर्वरक तैयार होता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है बेटो, ये आप इजिली बना लेंगे क्योंकि क्रॉप में आप लोग इसको डिटेल में पढ़े हुए हो। क्या पूछा है कि आपको इसमें चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, चार कथन दिया है जिसमें से आपको कौन सा सही है उसको हमको चूज करना है वन बाई वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है 16 सूक्ष्म पोषक तत्व
ठीक है, जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं, बिल्कुल आवश्यक होते हैं, तो ये तो अपना सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 4 केटायन और 3 एनायन ये जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें जो 3 एनायन दिया है वो आवश्यक नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए बोरान आवश्यक है। बिल्कुल बोरान आवश्यक है, आपने क्रॉप में पढ़ा होगा मॉलिब्डेनम भी आवश्यक होता है, तो मॉलिब्डेनम तो होता ही है लेकिन उसके एब्सेंस में बोरान भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पौधों में उपस्थित हार्मोन एवं ऑक्सीन की क्रियाशीलता को संतुलित करने के लिए जिंक आवश्यक उपयोग करते हैं। बिल्कुल इसका भी उपयोग होता है, यानी कि आपका फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। इसको सारे स्टूडेंट आप लोग लगा लिए होंगे, उम्मीद करती हूँ ये बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 23 में क्या दिया हुआ है बच्चों अपने को, विच एसिड इजली रिएक्ट विथ इथेनॉल टू फॉर्म एस्टर, मतलब कि ऐसा कौन सा एसिड है। देखो 4 एसिड का नाम दिया है, तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो इथेनॉल से रिएक्ट करते हैं और एस्टर फॉर्म करते हैं, यानी कि चारों कार्बोक्सिलिक एसिड है ये चारों क्या करेगा, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है वो जो ध्यान देना, जो आसानी से यहाँ पे दिया है ना, आसानी से क्रिया कर दे, तो चारों एसिड रिएक्शन करेगा लेकिन इजिली कौन करेगा। चलिए तो इजिली कौन करता है, जो इजिली H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इजिली H प्लस आयन कौन डोनेट करेगा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों करेगा, क्योंकि इसमें जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को इजिली, हाइड्रोजन को इजिली रिमूव कर देगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके जो हमारा इथेनॉल है वो रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन भी हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है बच्चों, ये आपका सही हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, 24। चलिए तो 24 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें एक कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से हमको ये पता करना है कि कौन सा यौगिक जो है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर परीक्षण देता है। तो सबसे पहली बात तो सिल्वर मिरर टेस्ट देने के लिए कार्बोहाइड्रेट तो होते ही है, कार्बोहाइड्रेट में जैसे हो गया ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज हो गया ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। बट यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड दिया है तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट यानी कि अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट यानी कि NH4OH देन AgNO3, ये होता है हमारा सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम टॉलेन रिएजेंट के नाम से पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये टॉलेन रिएजेंट कहलाता है जिसके साथ ये जो फॉर्मिक एसिड होता है वो इजिली रिएक्शन करता है और क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है आयरन। सबसे फर्स्ट तो आयरन क्या है, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। नॉर्मल मैं आयरन एटम की बात कर रही हूँ ना, तो अगर जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अबव के नियम से बनाते हैं, तो अबव के रियल को फॉलो करते हुए अगर बनाते हैं तो ये हो जाएगा 2, 8, 10 हो गया। उसके बाद 3s2 3p6 3d, हमको मालूम है आबो के नियम से अनुसार पहले 3D को हम फिल नहीं कर सकते, पहले हम फिल करते हैं किसको, 4s को, ठीक। तो ये 4s2 हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन बचा होगा उसको हम किस में फिल करेंगे, 3d में। तो कितना हो गया, 10 2 12 12 6 18 18 2 20, बचा कितना बच्चों, 6 बचा, तो ये हो गया 3d6 हो गया आयरन 26 का। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा है किसका बच्चों, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Fe3+ बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है प्लस आयन कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, ठीक है ना। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो उसमें चार्ज आता है प्लस चार्ज, तो कितना प्लस आया यहाँ पे, 3+, यानी कि जो आयरन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कितना बचेगा, 23 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अब आपको 23 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, इजिली बना लिए होंगे आप लोग। तो ये हो गया 2, 8, 10 तो हो गया। उसके बाद 3s, ये 2 इलेक्ट्रॉन,
3p, ये तो भरा रहेगा। अब उसके बाद अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो आउटर सेल यानी कि बाह्यतम को उसको पहले खाली करता है। तो सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन तो इससे बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये तो जीरो हो जाएगा, दो बाहर चला गया, एक और निकालना है क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। तो एक कहाँ से निकल जाएगा, 3d से निकल जाएगा, 3d 6 है तो इससे एक और चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ तो 5 बचेगा, यानी कि 3d 5 हो जाएगा। आगे ये तो खत्म हो गया ठीक, बट ऑप्शन में देखना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है अपने को, सबसे सब में आपको यहाँ पे लगा हुआ है आर्गन। आर्गन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होता है, देन उसके बाद ये हो गया 3d 5 ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सी ऑप्शन आपका सही होगा ठीक है। तो ये हो गया हमारा 25 क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन। 26 में क्या दिया हुआ है, इसमें आपको चार एग्जाम्पल दिया हुआ है और चारों का स्ट्रक्चर यानी कि आकृति या उसकी ज्योमेट्री के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो चार जो हम लोग संकरण पढ़े थे, उस संकरण के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। पर इसमें यह पूछा है कि चारों में से ऐसा कौन सा है जो मिसमैच्ड है, मतलब कि जो गलत है ठीक, जो सही तरीके से उसको नहीं बनाया गया है। तो सबसे पहला तो यही आता है ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये इसमें संकरण कौन सा होता है बच्चों, sp3 होता है, और sp3 में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, पिरामिडल शेप का होता है, पिरामिडल बनना चाहिए, लेकिन वहां पे लिखा क्या हुआ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल दिया है, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये मिसमैच्ड है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हमारे हैं वो सब क्या है, मैच्ड है। क्योंकि इसमें जो दिया जैसे ये दिया है, ये तो होता है sp संकरण ठीक, उसके बाद ये दिया हुआ है तो इसमें ये एग्जांपल देखना, तो ये होता है sp3d2 संकरण, और ये वाला एग्जांपल होता है sp3d संकरण। तो ये तीनों का जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें इसकी आकृति सही है, लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया है उसका जो शेप दिया हुआ है उसका शेप होना चाहिए पिरामिडल शेप, बट क्वेश्चन में दिया हुआ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसको तो इजीली आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि इसमें सिंपल से ये पूछा है कि जो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन बनाने का बहुत सारा मेथड होता है, और सबसे कॉमन मेथड जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के द्वारा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ठीक, जब उससे हम क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आपका दो ऑप्शन हो सकता है इसका, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन और एल्काइन जिसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इसके द्वारा हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं ठीक है ना। लेकिन इस मेथड से और इसी मेथड को हम जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, तो उस मेथड का नेम रिएक्शन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं शबातियर सैंडरसन रिएक्शन ठीक है ना, सबातिया सैंडरसन रिएक्शन बोलते हैं। और इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते बच्चों, क्यों नहीं बना सकते, इसका रीज़न भी मैं आपको बताई थी क्लास में, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कम से कम दो कार्बन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो तो भी आपको कम से कम दो कार्बन चाहिए, और ट्रिपल बॉन्ड अगर बनाते हैं तो भी हमको कम से कम दो कार्बन चाहिए ठीक है ना। लेकिन मीथेन अगर आपको बनाना है तो मीथेन में तो हमको मालूम है मीथेन मतलब कि CH4 एक ही कार्बन होता है, तो एक कार्बन होता है, तो इसे हम एल्कीन या एल्काइन से कैसे इसको बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो हमारा जो मेथड आ जाएगा वो सबातिया सैंडरसन रिएक्शन, क्योंकि इस मेथड से हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते ठीक है। ये हो गया हमारा 27 क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया है जिसको हमको प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाना है बच्चों, ध्यान देना। ये क्वेश्चन में एसिटिलीन लिया है जिसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 के प्रेजेंस में होगा, तो सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा ए। तो सबसे पहली बात एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन होता है। अब इसका रिएक्शन कराना है किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है और मर्करिक सल्फेट ये भी प्रेजेंट है। अब ये रिएक्शन करेगा तो इसका यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तब ये बना लेता है। तो सबसे पहले जब ये बनाएगा तो ये H+ और OH में टूट जाता है ठीक है ना, एक ग्रुप यहाँ जुड़ेगा दूसरा ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, यानी कि
CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ गया OH, ठीक है, ये बनेगा एल्कोहल। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमराइजेशन होगा, यानी कि चलावयता होगा। कहने का मतलब है यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ये अपना पोजिशन चेंज करेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा और एक ग्रुप आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा CH3 एंड CHO, तो ये बनेगा ए प्रोडक्ट। तो ए प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों हमारा, एसिटेल्डिहाइड बन रहा है। एसिटेल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड, यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है ना CHO, जिसको हम अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका IUPAC नाम होता है इथेनल, ठीक है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं ए प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो ए प्रोडक्ट में ऑप्शन में सब में आपको क्या दिया हुआ है, एसीटोन दिया हुआ है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे व्यापम ने गलत दिया है, ठीक। गलत इसलिए है क्योंकि एसिटेल्डी जब भी एसिटिलीन रिएक्शन करता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो वहाँ पे इथेनल यानी कि एसिटेल्डिहाइड ही बनेगा, एसीटोन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एसीटोन मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन CH3 CO CH3 CO और CH3, ये कहलाता है हमारा एसीटोन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, एसीटोन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है आपने को, एसिटिलीन बोल रहा है, एसिटिलीन में कार्बन कितना होता है बच्चों, 2 ही कार्बन होता है। तो जब 2 कार्बन रिएक्टेंट के पास है तो प्रोडक्ट में एसीटोन कैसे बनेगा, एसीटोन की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये व्यापक के द्वारा गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर हमने अपने मतलब हमको ये लग रहा है कि अगर एसिटिलीन की जगह अगर व्यापक प्रोपाइन देता, क्या देगा, प्रोपाइन यानी कि 3 कार्बन का चैन अगर व्यापन बनाता है तो आंसर सी होना चाहिए, सी हो जाएगा, तो सी आंसर है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। सी आंसर हो सकता है कब, जब रिएक्टेंट के में एसिटिलीन जो दिया है, एसिटिलीन की जगह अगर हम प्रोपाइन रखेंगे तो हमारा एसीटोन भी बन जाएगा और सोडियम एसीटेट भी बनेगा। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो वैसे तो क्वेश्चन तो स्टार ही है, क्योंकि हम अपने से रिएक्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वह क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो ये क्वेश्चन है तो फिर ये तो स्टार क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। लेकिन फिर भी अगर मान के सॉल्व करते हैं कि एसिटिलीन की जगह अगर प्रोपाइन होता है तो क्या आंसर आता है, तो बिल्कुल आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा, तो ये हमारा प्रोपाइन दिख रहा है आपको, और प्रोपाइन के साथ फिर वही सेम रिएक्टेंट वही रहेगा और ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या बना लेता है, अभी यहाँ पे आपको एल्कोहल दिख रहा है, फिर वही सेम चीज़ यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होगा, तो फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और एच ग्रुप नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बना लेगा एसीटोन CH3 COOCH3, बन गया ए क्या बन गया बच्चों हमारा, एसीटोन बन गया। तो एसीटोन तो ऑप्शन में भी दिख रहा है हमको, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब इसी का आगे रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, NaOH और I2, यानी कि यहाँ पे आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा, आयोडीन भी है यहाँ पे, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये ग्रुप अलग हो जाएगा और ये सारे ग्रुप आके क्या जुड़ जाएंगे, सबसे पहले ये बन जाएगा CH3I3, यानी कि ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप ध्यान देना वहाँ पे लिखा है येलो PPT आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो ये आयोडोफॉर्म बन गया जो येलो रंग का होता है, और प्लस क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है, CH3CONA, तो ये हमारा बन गया सोडियम एसीटेट, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों आंसर हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा बी प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हमारा ए प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि एसीटोन भी बन गया और सोडियम एसीटेट। लेकिन कब बना, जब रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोपाइन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एसिटिलीन दिया हुआ है, तो एसिटिलीन के हिसाब से आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन स्टार होगा, व्यापम इसको स्टार ही करेगा क्योंकि क्वेश्चन गलत है। या फिर अगर इसको प्रोपाइन मान के चलेंगे तो आंसर हम सी ले सकते हैं, इसलिए हमारे द्वारा संस्थान के द्वारा आपको ये आंसर फिलहाल के लिए सी लगवाया गया है। खैर देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेता है फिर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी संस्थान के द्वारा आपको स्टार पॉइंट ही कराया गया है। क्यों कराया गया इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले से सॉल्व करने पे ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिया हुआ है। कैसे, चले सबसे पहले एक हमको यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है सिल्वर क्रोमेट, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Ag2CrO4। ये एक आपका एक सॉल्ट है, जब इसको हम आयोनाइज करेंगे, ठीक है, तो ये टूट जाएगा किसमें, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्रोमेट अलग हो जाएगा, यानी कि सिल्वर दो मॉलिक्यूल में टूटेगा और प्लस हमारा क्या बन जाएगा, क्रोमेट आयन, ठीक है, देन प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। अब इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी एस, दो एजी है इसलिए 2s लेंगे और ये एक ही है इसलिए इसको हम केवल s मानेंगे, ठीक, ये होगी इसकी सॉल्युबिलिटी। अब जो KSP होता है यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो सिल्वर कितना मॉलिक्यूल है बच्चों, दो, और क्रोमेट आयन ये कितना है, ये एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए सिंगल रखेंगे। अब इसका फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो सिल्वर की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कितनी है बच्चों, 2s और पावर में 2, इसका कितना निकाला हमने, s, तो ये हो गया s। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा इनटू यहाँ का s, ठीक। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये टर्सरी सॉल्ट है, टर्सरी यानी कि यहाँ पे टोटल 3 आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, सिल्वर के 2 और एक क्रोमेट का, तो टर्सरी सॉल्ट हो गया। टर्सरी सॉल्ट का फॉर्मूला यही पढ़ा है हमने, 4s क्यूब, या फिर मैं इसको इनटू कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4s क्यूब हो जाएगा। पर अब इसको हम अलग अलग रख रहे हैं, क्यों अलग अलग रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको सिल्वर, यहाँ पे ध्यान देना, सिल्वर की सॉल्युबिलिटी और क्रोमेट इसकी सॉल्युबिलिटी दोनों की अलग अलग वैल्यू दी है, तो दोनों की वैल्यू को अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करना है। चलिए पुट करते हैं, तो ये तो 4 का 4, इसको अभी बाहर रखते हैं, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻¹⁵, ठीक, देन स्क्वायर, और इंटू इधर क्रोमेट, क्रोमेट का कितना दिया हुआ है, 4.4 × 10⁻¹⁴, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर को अगर हम लोग सबसे पहले स्क्वायर चेंज करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, 25, और इंटू 10⁻¹⁵, ठीक, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई पावर नहीं लगा हुआ है क्योंकि, तो ये 4.4 × 10⁻¹⁴, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4 का इंटू हो जाएगा 25 के साथ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा इंटू 10⁻¹⁵, ठीक है, 10⁻¹⁵ हो जाएगा। अब और यहाँ पे क्या है, 4.4 × 10⁻¹⁴, ओके, इतना हो गया। अब इसको हम लोग और पावर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि 0 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये पावर, ये 10 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻¹⁰, ठीक। अब इसको अगर देखेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर कितना हो जाएगा, -8, और यहाँ पे इंटू में क्या है, 4.4 × 10⁻¹⁴, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको पावर इधर चला जाएगा तो इसको इजी, तो फिर से एकदम सिंपल हो जाएगा, ये 10⁻¹⁰ कितना हो जाएगा, -⁻⁰ +, तो ऑप्शन में बच्चों आपको कहीं पर ये आंसर दिख रहा है क्या, ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हमारे संस्थान के अनुसार से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी स्टार क्वेश्चन में जाएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है ना, समझ में आया सभी को, तो ये क्वेश्चन आपका एक ये स्टार क्वेश्चन है, ये व्यापम के द्वारा वैल्यू को थोड़ा गलत किया हुआ है या फिर जो भी किया है, देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेता है इसका बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक आपको pH निकालना है, किसका pH निकालना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक कंपाउंड का नाम दिख रहा होगा बच्चों, जिसका नाम लिखा हुआ है एस्पिरिन, ठीक है ना। अब ये जो एस्पिरिन होता है ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C9H8O4, ये एस्पिरिन कहलाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अणु भार जब निकालेंगे तो ये हमको 180 मिलेगा, ठीक है ना। तो pH निकालना है लेकिन क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में है वेट
एस्पिरिन का भार दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो जब भार और वॉल्यूम दिया है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि उसकी मोलरता, मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मोलरिटी निकालेंगे यानी कि मोलरता। लेकिन सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ये दिया है कि एस्पिरिन जो है 1.8 ग्राम की दो गोली, ठीक है ना। यहाँ पे एक एस्पिरिन का भार कितना दिया है 1.8, लेकिन यहाँ पे कितना एस्पिरिन है क्वेश्चन में, दो गोली एस्पिरिन का यूज़ किया है। तो दो गोली यूज़ किया है तो इसका भार कितना हो जाएगा, तो एस्पिरिन का जब हम क्या निकालेंगे, वेट, मैं वेट की बात कर रही हूँ ना, ये तो ये क्या है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, अणु भार है, लेकिन इसका वेट जो है वो क्वेश्चन दिया है अपने को, एक एस्पिरिन का वेट होता है 1.8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना एस्पिरिन लिया हुआ है बच्चों, दो एस्पिरिन लिया है, तो इनटू कर देंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 3.6, ये आ जाएगा हमारा वेट, ठीक। चलिए तो सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने। कंसंट्रेशन निकालने का, वेट हमको मिल गया है 3.6, मॉलिक्यूलर वेट है 180, फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये वेट हो जाएगा, देन मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू 100 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है आपको 100, ठीक है ना, वॉल्यूम दिया है यहाँ पे हमको 100 दिया हुआ है। जब इस सबको हम सॉल्व करेंगे, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तब हमको यहाँ पे मिलेगा ये सॉल्व करने पे 0.2, ठीक है, 0.2 हमको क्या मिल गया, कंसंट्रेशन यानी कि इसकी मोलरिटी। अब मोलरिटी तो मिल गया बच्चों, तो अब मोलरिटी को जब हम पीएच निकालते हैं तो हमको जो कंसंट्रेशन है वो उसके 10 के पावर में चाहिए होता है, तो इसको हम पावर में चेंज कर देते हैं, तो पावर में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻¹ लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻¹, ये हमको क्या मिल गया, विलयन का कंसंट्रेशन, सांद्रता मिल गया, ठीक है। अब सांद्रता मिल गया, अब हमको निकालना है पीएच, तो पीएच निकालने का फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो हमारे लिए, सबसे पहले तो हाँ एक वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है ध्यान देना, यहाँ पे पी के ए का वैल्यू दे दिया है कितना, 2, ये एस्पिरिन का पी के ए का जो वैल्यू आएगा वो लगभग कितना आएगा, 2 आएगा, वो हमको क्वेश्चन में दे दिया है। तो अब पीएच निकाला है, तो पीएच के लिए फॉर्मूला है हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। अभी लॉग सी क्या है, लॉग सी यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, सांद्रता जो हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए हमने सबसे पहले क्या निकाला था बच्चों, कंसंट्रेशन, सांद्रता। अब इस कंसंट्रेशन को हमको फॉर्मूले में पुट करना है, और पी के ए का वैल्यू भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो सिंपल है आगे का सॉल्यूशन, ये हो गया, ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, और इसका कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो कितना रखेंगे हम, 2 × 10⁻¹। तो अगर मैं इसका यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2 × 10⁻¹ लॉग सी। अब इसका जब लॉग निकालेंगे बच्चों, तो चलिए इसका साइड में लॉग निकाल लेते हैं, सबसे पहले 2 × 10⁻¹ लॉग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 − log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, यानी कि इसकी वैल्यू मिल जाएगी 0.7, मिल जाएगी 0.7। चलिए तो यहाँ पे वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं फिर इसको, तो ये 1/2 हो गया, 2 − 0.7, माइनस करने पे ये कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये करीब हमको मिलेगा 0.65 समथिंग आंसर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा बच्चों कि ये एग्जैक्ट तो दिया नहीं है ऑप्शन में, लेकिन हाँ अप्रॉक्स लेंगे तो हम इसको बी आंसर सही ले सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.5, ठीक। चलिए समझ में आ गया आपको, इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो शर्करा नहीं है, तो शर्करा नहीं है बोल रहा है, ठीक है, शर्करा है मतलब ऐसा कौन सा जिसको हम अपचयित नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। तो रिड्यूस नहीं होता है वो जिसमें रिड्यूसिंग के लिए बोला जाए, तो उसमें होना चाहिए फ्री एल्कोहल, यानी कि फ्री ओ एच ग्रुप जिसमें पाया जाता है, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, फ्री OH ग्रुप जिसमें होगा,
वो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग होते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग कौन होते हैं, जो उसमें OH फ्री OH ग्रुप नहीं होता। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज में फ्री OH ग्रुप नहीं होता है, जिसकी वजह से ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो आप लोग तुरंत ही लगा लिए होंगे, ये तो कब से पढ़ते आ रहे हैं आप। विटामिन जो होते हैं बच्चों, वो दो टाइप के कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। तो यहाँ पे पूछा है हमको वाटर फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए डी ई के। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया है ये कोलाइड चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको हम लोग अच्छे से सब पढ़े हुए भी थे बच्चों। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू यानी कि अवक्षेपण मान। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे निकालना है फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू निकालना है, और जिसको हम कोएगुलेशन वैल्यू भी बोलते हैं, यानी कि फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू भी बोल सकते हो आप। अवक्षेपण मान, तो सबसे पहले फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य के मिलीमोलों की संख्या, डिवाइडेड बाय क्या था, द वॉल्यूम ऑफ कोएगुलेटेड सॉल्यूशन। कोएगुलेटेड सॉल्यूशन इन लीटर, यूनिट को ध्यान में रखना, किसमें चाहिए था आपको, कोएगुलेटेड वाली, कोएगुलेटेड सॉल्यूशन यानी कि जो स्कंदित होने वाले विलयन है उसका आयतन चाहिए था लीटर में, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले हमको चाहिए मिलीमोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स का मिलीमोल, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, 0.7.3 ग्राम HCl। ठीक है, 7.3 ग्राम HCl है जो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो स्कंदन करता है, कोएगुलेट करता है। ठीक, अब इसका हमको केवल भार दिया है, ठीक है, तो वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि वेट तो दिया है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 36.5 हो जाएगा, तो मोल निकाल लेते हैं, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन में वेट भी है, मॉलिक्यूलर वेट भी है, डिवाइड कर देते हैं, तो वेट कितना दिया हुआ, 7.3, और मॉलिक्यूलर वेट 36.5। ठीक है ना, ये 36.5 कहाँ से है, ये समझ में आया सभी को, तो ये जो वैल्यू है जब आप HCl का H और Cl दोनों को जब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 36.5 आ जाएगा, और जब इसको हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे जब ये वैल्यू को, तो ये मोल हमको मिलेगा 0.2, वेट बाय मॉलिकुलर वेट को डिवाइड करने पे कितना मिलेगा, 0.2। ठीक, तो ये क्या मिल गया, मोल, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मूले में क्या चाहिए, मिली मोल, तो मिली मोल इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मोल में मोल है, अब मोल को मिली मोल में चेंज कर देते हैं बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000, तो 0.2 इंटू 1000 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 200 मिली मोल आ जाएगा, 200 मिली मोल आ गया। फॉर्मूले में जाते हैं, तो मिलीमोल हमको मिल गया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मिलीमोल आ गया 200 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोएगुलेटेड सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 ml, ml में दिया हुआ है, ध्यान देना, फॉर्मूले में क्या चाहिए अपने को, इन लीटर, कोई बात नहीं, ml को हम लीटर में चेंज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 200 इंटू ऊपर जाएगा, तो ये 1000 बाय 200, तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, बचा कितना, 1000 मिलीमोल पर लीटर, बट ऑप्शन में देखिए आपको कहीं पे 1000 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी कि बाबन ने इस क्वेश्चन को गलत लिया है। अगर ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ, तो ये जो वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 7.3 ग्राम, अगर ये व्यापन 0.73 ग्राम करता तो आंसर हमारा आता 100, अगर क्वेश्चन में 0.73 होता, बट क्वेश्चन में दिया हुआ 7.3, हो सकता है व्यापम के द्वारा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट यहाँ लगा दिया, इसलिए आंसर आ गया 1000,
तो अगर हम व्यापक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे तो आंसर तो फिर आ ही नहीं रहा है, यानी कि ये भी हमारा ये स्टार क्वेश्चन है। और अगर आप सॉल्व करना तो सॉल्व करेंगे 0.73 से सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा 100। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा स्टार क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में आपको एक कंपाउंड का नाम दिया हुआ है SnO2। ठीक, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है बच्चों, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब दोनों का रिएक्शन होगा तो एक कोएगुलेटेड सॉल्यूशन बनेगा, एक कोलाइडिबिलियन बनेगा और उसका एक प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका हमको सूत्र बताना है। तो ये सबसे पहले, तो जब इसका पहले सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब NaOH का जब ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा आपको, Na+ OH-, यही मिलता है। ठीक, अब हम रिएक्शन कराएंगे SnO2 के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तब जो बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, पहले हम रिएक्शन कराएंगे इसका, यहाँ से क्या मिला OH, तो ये OH के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे बन जाएगा SnO3- और प्लस वाटर बाहर। ठीक, पहला कंपाउंड ये बन गया। अब क्या होगा, SnO2 जो है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तब यहाँ पे बन जाएगा SnOH2+, क्योंकि ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सोडियम प्लस OH- बाहर निकल जाएगा, OH एंटर करेगा और यहाँ से 2 सोडियम बाहर। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो कंपाउंड हमारा बना है, ये और ये दोनों दो रिएक्शन हुए हैं, दोनों क्या करते हैं आपस में कंबाइन होते हैं, दोनों कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा SnO3, देन यहाँ पे जाएंगे तो SN2+, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, SnO2 और ये हो जाएगा SnO3-, और यहाँ पर जो सोडियम जो हमारा बचा हुआ है, ये सोडियम प्लस आयन के रूप में, तो ये क्या करता है, रिएक्शन को बैलेंस करता है, क्योंकि ये आपको माइनस चार दिख रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन जुड़ जाएगा साथ में, प्लस आयन वाला कंपाउंड इसमें जाके साथ में जुड़ जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा SN3- और ये 2 सोडियम यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल। ठीक है बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, इसको आप लोग इजीली बना लिए होंगे। डिटर्जेंट पूछा है, डिटर्जेंट क्या होता है, सोडियम एल्किल सल्फोनेट या सोडियम एल्किल सल्फेट ग्रुप को हम डिटर्जेंट बोलते हैं। ठीक, तो डिटर्जेंट नहीं है पूछा है क्वेश्चन में, देखिए ये सल्फेट ग्रुप है यानी कि डिटर्जेंट है, यहाँ भी सल्फोनेट है, यहाँ भी सल्फोनेट है, यानी कि ये सारे डिटर्जेंट है, तो डिटर्जेंट कौन नहीं है, तो डिटर्जेंट नहीं है सोडियम स्टीयरेट। क्यों, क्योंकि सोडियम स्टीयरेट तो एक साबुन होता है बच्चों, इसको हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है सोडियम स्टीयरेट, ये हमारा साबुन है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सारे क्या है, डिटर्जेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वसा में असंतृप्तता, यानी कि आपको बोल रहा है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ अ फैट, तो अनसेचुरेशन असंतृप्तता को बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों, आयोडीन नंबर का, क्योंकि हर कंपाउंड हर तेल का क्या होता है, आयोडीन मान होता है, और आयोडीन मान से हम क्या पता लगाते हैं बच्चों, उसका अनसेचुरेशन, कि वो कितना असंतृप्त है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आयोडीन नंबर से आप इसको पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट फेयर 37 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया होगा ओल्ड पेपर को, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट किया हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 3 एलिमेंट है और तीनों का आपको रेशियो कितना दिया हुआ है, 9:1:3.5। चलिए तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो ये 9 हो गया, ये हमारा 1 हो गया और ये हो गया 3.5। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं उसके मास से, तो मास कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और नाइट्रोजन होता है 14। अब क्या कर देंगे, मास और उसके
परसेंट को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 0.75, ये हमको 1 मिलेगा और ये आ जाएगा 0.25। ठीक, तीन आंसर मिला है, तीन आंसर में सबसे फिर क्या करते हैं, जो छोटा आंसर होता है उसको फिर से डिवाइड करते हैं। तो चलिए छोटा आंसर क्या है, सबसे पहले 0.25, तो 0.25 जो दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको डिवाइड करना है। ओके, केवल क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको यहाँ पे चार आंसर, चार अगर इसको रेशियो में निकालेंगे तो ये हमको कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा सॉरी जब हम इसको लेंगे किसके अकॉर्डिंग, हाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो कितना मिल जाएगा, ये 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम में और ये 1, तो रेशियो कितना मिल गया, सिंपल रेशियो यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला C3H4N, ये बन गया, क्या बन गया, सिंपल फार्मूला यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। ठीक, अब एम्पिरिकल फार्मूला तो बन गया, अब इसका वेट अगर यहीं पे निकाल लेते हैं बच्चों, तो इसका अणु भार, इसका पूरे का वेट निकालेंगे तो ये हमको 54 मिल जाएगा। ठीक है, अब n निकालते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है 108, तो मॉलिक्यूलर वेट रखिए 108। एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने निकाला है उसका वेट कितना है, 54। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ था 108 और एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमारे बनाया है उसका वेट कितना आ गया, 54 आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 2 टाइम में, तो यानी कि अब हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो दिया हुआ है आपको उसमें क्या करना है, इंटू एन, एन का वैल्यू कितना मिला, 2। तो इस पूरे वैल्यू में 2 को हम इंटू कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सी 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 6 2 से इंटू हो जाएगा, 4 यहाँ पे है तो 3 से इंटू हो जाएगा, तो एच कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और एन 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी 6 एच 8 एन 2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए, सी 6 एच 8 एन 2, तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आपको यहाँ पे एसिड का फॉर्मूला पूछा है बच्चों, बट ये जो क्वेश्चन है एसिड का फॉर्मूला निकालने के लिए, ये क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको परसेंट मास दिया हुआ है, किसका, वाटर का मास दिया है और सीओ का, सीओ टू का मास दिया हुआ है, जिसके बेस में हम ये नहीं बता सकते कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हमारे संस्थान के द्वारा स्टार क्वेश्चन रखा गया है। तो इसको हम व्यापम के ऊपर छोड़ते हैं कि व्यापम इसका आंसर क्या देता है। ठीक है, तो इसको स्टार करके रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा परसेंट प्यूरिटी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, शुद्ध परसेंट की शुद्धता के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो परसेंट प्यूरिटी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो परसेंट प्यूरिटी मतलब किसी भी पदार्थ की शुद्धता को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो मास ऑफ द, मास ऑफ द, इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे बच्चों आप, मास ऑफ द हमको चाहिए केमिकल, प्योर केमिकल, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी मिलावट ना हो, क्योंकि हम लोग प्योरिटी शुद्धता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्योर केमिकल चाहिए, उसका मास चाहिए और बाय हमको चाहिए टोटल मास ऑफ सैंपल और इंटू 100, परसेंट निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होता है परसेंट प्योरिटी निकालने का। ठीक, फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है बच्चों हमारे पास, देखिए यहाँ पे दिया 10 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड, मतलब कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है उसका जो सैंपल है उसका मास हमको दे दिया 10 ग्राम, यानी कि टोटल मास हमारे पास है 10। ठीक, लेकिन हमको मास निकालना है किसका, मास ऑफ प्योर केमिकल, मतलब उसमें जो मैग्नीज ऑक्साइड है उसका प्योर कितना परसेंट है, मास है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले, और साथ में क्या दिया हुआ है, 0.1 इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, क्लोरीन है, क्योंकि जब मैग्नीज ऑक्साइड जो है उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कंसंट्रेट HCl के साथ हो रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेट HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Cl2 और प्लस वाटर बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चार ऑक्सीजन का क्लोरीन को हम लोग इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्लोरीन बाहर भी निकल रहा है। ठीक,
ये तो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको जो वेट दिया है क्लोरीन का 0.1 Cl2 का दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास जो HCl है, HCl यहाँ पे देखें कितना Cl है, केवल एक, तो ये तो दो क्लोरीन का वेट दिया हुआ है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट में, तो टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे यानी कि 0.1/2, तो ये हो जाएगा 0.05 mol, ठीक है। क्यों टू से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे HCl जो है, HCl में एक क्लोरीन है और यहाँ पे जो क्लोरीन दिया है Cl2 का जो दिया है, क्वेश्चन में ध्यान देना 0.1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, दो क्लोरीन का दिया हुआ है, बट क्वेश्चन में HCl जो है वो एक है, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी कि टू से डिवाइड कर देंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5 mol, ठीक है। अब बच्चों मोल इज इक्वल टू, देखो हमको मोल मिल चुका है, अब मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। तो मोल मिल गया हमको मैंगनीज ऑक्साइड, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेते हैं यहीं पे साइड में, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा मैग्नीशियम का, मैंगनीज का ये होता है 55 और प्लस इसका ये 32 हो जाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 87, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट और मोल दोनों को फॉर्मूले में पुट करिए, तो यहाँ से हम वेट निकाल सकते हैं, यानी कि जब ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो 0.05 × 87 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट, ठीक है। जब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, आपको वेट मिल जाएगा। तो वेट निकालने के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे ये इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो लगभग कितना मिलेगा, 4.37 समथिंग आपको मिलेगा वेट, वेट यानी कि उसका भार। अब फॉर्मूले में आइए, तो मास हमको कितना मिल गया प्योर केमिकल का, 4.37, यहाँ पे पुट कर देते हैं 4.37 डिवाइडेड बाय सैंपल ऑफ मास, सैंपल का जो मास दिया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ 10 ग्राम और लास्ट में इनटू क्या कर देंगे आप, 100, ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, उसके बाद सॉरी करीब 5 कुछ होगा पॉइंट का इतना डिफरेंस चलेगा, अगर थोड़ा बहुत आप डिफरेंस लेते भी हैं तो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका लगभग जो आंसर आएगा 53.5% प्योरिटी निकलेगी, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बी ऑप्शन आपका आएगा 43.5% प्योरिटी, ठीक है ना। तो इसमें केवल आपको ये जो फॉर्मूला दिया है उसको थोड़ा अच्छे से आप समझेंगे, इसको याद रखना है फॉर्मूला को, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भी क्या पूछा है, ये तो बहुत सिंपल है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि अणु भार पूछा है, ठीक है, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, लेकिन दिया क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन को देख के आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूले में क्वेश्चन में जाएंगे तो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए नॉर्मेलिटी दिया है यानी कि नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय एम्पिरिकल इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक। नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है आपको, 1/10 यानी कि 0.1। वेट कितना दिया हुआ है, ये हमारा वेट है 0.1092। इक्विवेलेंट वेट हमको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम पहले इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे यानी कि तुल्यांकी भार निकालेंगे, और तुल्यांकी भार से ही क्या निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है बच्चों, 21 ml, तो यहाँ पे हमने रख दिया वॉल्यूम 21। सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, केवल आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको जो जिसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो तुल्यांकी भार को ये इधर ले आया हमने तुल्यांकी भार, और ये हमारा सारा वैल्यू ये इधर आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 0.1 देन इनटू 1000/21, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इक्विवेलेंट जब वेट निकालेंगे यानी कि तुल्यांकी भार जब निकालेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग हमको कितना आंसर मिल जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने पे 52, ठीक। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने क्या निकाला है, केवल इक्विवेलेंट वेट, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है लास्ट में आपको, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणु भार।
तो एक फॉर्मूला हमको मालूम है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, यानी कि संयोजकता। तो किसका वैलेंसी, तो हमको मालूम है यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे लिखा है द्विक्षारकीय अम्ल, ये पूछ रहा है ना, और अम्ल का ही तुलना अणु भार निकालना है, तो द्विक्षारकीय यानी डाइबेसिक है, डाइबेसिक है यानी कि उसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2। तो इक्विवेलेंट वेट जो दिया है हमको मिला है 52 और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और वैलेंसी 2। 2 क्यों ले रहे हैं बच्चों, वैलेंसी ध्यान देना, यहाँ पे डाइबेसिक एसिड दिया हुआ है ना, डाइबेसिक एसिड है, द्विक्षारकीय अम्ल है जिसकी वैलेंसी 2 होती है। तो अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 52 × 2, तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 104, ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 104, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो केमिस्ट्री है उसका 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जिसमें से 4 क्वेश्चन जो है जो व्यापम के द्वारा थोड़ा गलत है, हमको ऐसा लग रहा है, देखते हैं व्यापम का इंतजार करते हैं वो क्या आंसर निकालता है। तो हमारे पास 16 नंबर था जिसका पूरा प्रूफ के साथ हमने उसको सॉल्व किया है बच्चों, ठीक है, ओके। चलिए अब आपका मैथ का सेशन चालू होगा जब जिसमें मैथ को सॉल्व करेंगे, ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम भी आई होप अच्छा ही गया होगा आप लोगों का, ठीक है। तो मैं अभी यूट्यूब में बहुत सारे कमेंट देखा, अच्छे अच्छे कमेंट है सभी का, और ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे जो संस्थान में थे हमारे, सभी का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से बना है। मैथ की बात किया जाए तो अगर कहीं आप डेटा देख के डर गए होंगे तो यही सबसे बड़ी आपकी गलती होगी, क्योंकि जो डेटा है उसमें नंबर को थोड़ा अजीब ढंग से दिया गया था, बट पूछने का चीज़ वही था, चाहे 3+2 बोलूँ या 2+3 करूँ, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो चलिए, तो पूरे 5 टॉपिक की बात करें तो अपन लोग ना सीक्वेंस से ना देख के हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं, पहले लॉग का देखते हैं, फिर APGP का देखते हैं, फिर स्टेटिक्स का, फिर त्रिकोणमिति का, ठीक है। तो हर साल होता कुछ ऐसा था कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है, जैसे ये लॉग का क्वेश्चन है आपका, और ये भी आपका लॉग का क्वेश्चन है, और उसके बाद बात करें आपका, टोटल 4 प्रश्न आपका लॉग से आया था, ठीक है। ये भी आपका लॉग का ही क्वेश्चन है, तो जो जितने भी लॉग के क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद अपन लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, जैसे ये लॉक का क्वेश्चन है 57 नंबर का, ठीक है। अगर कहीं इसको देखा जाए तो आप याद करो कि कोई भी सीरीज जो हमारा इनफाइनाइट टर्म तक गया तो या तो वो GP का क्वेश्चन है या तो फिर वो लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग लाइव आइए और देखिए कि आप जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें सही या गलत अपन लोग कैसे निर्धारण करें, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारे e^e के फॉर्म में है, मतलब आप सीधे सीधे समझ जाइए कि ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप याद कीजिए, हम लोग एक फार्मूला देखे थे e^x + e^-x का, और वो होता क्या हमारा, 2 1 + x² / 2 प्लस x^4/4 + x^6/6। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब देखो ध्यान से, पावर में इवन नंबर है 2, 4 है तो 4, 6 है तो 6,
ये है हमारा ईगी पावर एक्स का फार्मूला। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है क्या उसमें दो है क्या? नहीं है। तो अगर कि हम थोड़ा सा चेंज कर ले, ये जो टू है इसे अपन लोग डिवाइड में ले आए, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई की पावर ये माइनस एक्स अपॉन टू, और ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, कहाँ तक? इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सीरीज हमारा वो एज इट इज ऐसी दिख रहा है। तो अपन को कुछ नहीं करना था, बस केवल एक्स का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे अब आपको जज करना है कि एक्स का मान क्या रखा जाए जिससे हूबहू जो क्वेश्चन हमारा दिखने लगे। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस एक्स का वैल्यू पुट कर दो। यदि मैं एक्स इक्वल थ्री पुट करता हूँ तो मुझे एज इट इज जैसा वो है ये आपका दिखने लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस थ्री का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, और ये होगा आपका थ्री की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस कहाँ तक? इन्फिनिटी। और जो क्वेश्चन हमें चाहिए वो मिल गया। तो आपको क्या करना है, जब आप राइट साइड में पुट किए हैं तो लेफ्ट में पुट करेंगे। तो अब जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे देखेंगे साइड में लिख रहा हूँ, तो इधर भी पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा e की पावर थ्री प्लस e की पावर माइनस थ्री अपॉन टू, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा? आपका ऑप्शन सी। याद कीजिए, अगर कि हमारे बच्चे जो अभी इस यूट्यूब सेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा जब मैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको केवल एक ही चीज़ बोला था कि आपको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में फार्मूला याद होना ही चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद है तो ही आप जज कर पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न का है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 57 था, ओके, ये भी आप हमारे लॉग का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि आप 20 से कैसे बता रहे सर कह के। हम लोग पहले लॉग का देखेंगे, फिर एपीजीपी, फिर सांख्यिकी से, और फिर त्रिकोणमिति से। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है आपका कहाँ तक है? ये भी आपका इन्फिनाइट तक है। ऑप्शन किस कैसा है? लॉग के फॉर्म में है, मतलब ये भी क्या होगा आपका? लॉग का ही क्वेश्चन होगा। और कैसे होगा? इन्फिनाइट तक है तो एक्सपोनेंशियल। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो एक फिक्स नंबर के साथ आगे बढ़ रहा है। कैसे? एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, और ये सात के बाद फिर क्या है आपका? नौ। तो एक, तीन, पाँच, सात और नौ, ये बताओ बेटा ये क्या है आपका? एपी है। डिफरेंस क्या है? सेम है। किसी भी सीरीज का हमें किसी भी टर्म्स का पोजीशन निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? एंथ टर्म पता होना चाहिए, एनवा पद पता होना चाहिए। यदि हमारे पास एनवा पद है तो हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यदि मैं इस एक तीन और उसका एनवा पद निकालूंगा तो टी एन इक्वल क्या होगा मेरा फार्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू मेरा क्या होगा? वन प्लस एन माइनस वन, और डी क्या होगा? तीन में से एक गए तो दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वन प्लस टू एन माइनस टू। तो मेरा जो एनवा पद होगा टू एन, वन में से टू गया तो माइनस वन। ये ठीक है, ये हो गया मेरा एनवा पद। किसके लिए ये एनवा पद है मेरा? ये आपका एक, तीन, पाँच, पाँच के बाद सात। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें इस पूरे सीरीज का एंथ टर्म जज करना है। ठीक है, बहुत ही आराम से समझिएगा, मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे जाऊँगा। तो ये मेरा वन बाई टू, फिर थ्री बाई टू, वन बाई फोर प्लस फाइव बाई एट इंटू वन बाई एट। ठीक है, तो मैं यदि इसका एनवा पद ले लूँ, टू एन माइनस वन बाई एन, वन बाई टू की पावर में एन। और आप सभी को पता है बेटा एनवा पद, अब देखिए ध्यान से देखना, एन इक्वल वन पुट करूँगा तो टू वन जो टू, टू में से वन गए तो वन, वन बाई वन, तो वन बाई वन हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म मेरा वाई वन। और जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वन बाई टू की पावर वन, तो ये क्या होगा? वन बाई टू, फर्स्ट टर्म आया। अगर कहीं मैं इसमें एन इक्वल टू पुट करूँ तो दो दूना चार, चार में से गए तो तीन, ये तीन आया। यहाँ पे दो किया तो तीन बटा दो, फिर वन बाई, और यहाँ पे दो करूँगा तो एक का एक की पावर तो दो, और दो की घात चार, मतलब ये सॉरी दो की घात दो कितना हो गया? चार। तो जो मेरा एनवा पद है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए
बीच में क्या है हमारा, प्लस है। और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि हमें किसी भी चीज़ में किसी भी सीरीज के संपूर्ण पदों का योग करना है, सम ऑफ ऑल टर्म करना है, तो अपन उसमें क्या लगा लेते हैं, समेशन लगाते हैं, याद है आपको? ठीक है, तो अब देखिए मेरा जो एंथ टर्म है मैं उसमें जब समेशन लगाऊंगा तो ये जो सीरीज है मेरा वो क्या होगा, एन इक्वल वन से कहाँ तक है, इसका लिमिट जो है इन्फिनिटी तक, तो ये क्या होगा मेरा 2n अपॉन 1 बाई एन के पावर में 1 बाई 2 के पावर में n। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा मेरा लिमिट जो है n इक्वल 1 और ये आपका इन्फिनिटी। ध्यान से देखिएगा ना, ये 2n बाई एन अलग अलग कर लेता हूँ तो ये 1 बाई क्या होगा n होगा, और ये क्या होगा बेटा आपका, सॉरी ना एक मिनट, ये अपन इसे मिटाते हैं, ठीक है, और ये हो गया आपका 1 बाई 2 के पावर में n। ये क्या होगा n से n कैंसल, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, ओके, स्टेप बाय स्टेप बनाते तो बिल्कुल, बहुत लोगों के बच्चों का फ़ोन भी आया था बताया कि सर बन गया था क्वेश्चन कह के, ठीक है, केवल क्या था थोड़ा सा अपन को लॉजिक लगाना था, ठीक है। तो जब अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा मेरा लिमिट n इक्वल 1 से कहाँ तक है बेटा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब यहाँ पे केवल क्या बच गया 2 1 बाई एन और ये 1 बाई 2 के पावर में हो गया n। अब मैं इसका अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा बेटा तो ये क्या होगा 2 होगा और ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 1/2 की पावर n, इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इसके बगल में ही आएगा, ओके। तो मैं इसे अगर कहीं अलग कर दूँ, ये दो को मैं समेशन से बाहर निकालूँ तो ये क्या होगा मेरा 2 समेशन n इक्वल 1 से कहाँ तक इन्फिनिटी, और ये होगा बेटा आपका 1/2 के पावर में n, ठीक है। माइनस इसका लिमिट, इसको मैं इसको फिर से अलग कर दूं तो ये आपका n इक्वल 1 से कहाँ तक हो गया इन्फिनिटी, तो क्या मैं इसे 1/n, ठीक है, सॉरी ये आपका 1/2 के पावर में n अपॉन n लिख सकते हैं। अब बोलो सर ये कैसे, तो यार जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं 1/2 को, ठीक है, और ये इसका 1/3 है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या मैं इसे 1/2 अपॉन 3 कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, कुछ नहीं तो नीचे में क्या है 1 है, और जब फिर से सॉल्व करूँगा तो 1/2 × 1/3 वही चीज़ आएगा, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको अपन लोग ओपन करते हैं, अब क्या है समेशन को ओपन करूँगा और जब सभी जो लिमिट है उसको 1/1 पुट करूँगा बेटा तो ये क्या होगा आपका 2, ये समेशन n इक्वल 1 से कहाँ तक है इन्फिनिटी, और ये 2 है, लिमिट पुट करूँगा बेटा तो ये क्या होगा 1 पुट करूँगा तो 1/2 प्लस 2 पुट करूँगा तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 पुट करूँगा तो 1/2 की पावर 3 प्लस कहाँ तक बेटा आपका इन्फिनिटी तक। फिर जब ये माइनस अब इसमें पुट करूँगा तो इधर पुट करूँगा बेटा तो ये क्या होगा आपका समेशन तो हट गया आपका, अगले ब्रैकेट की बात करें तो ये आपका 1/2 नीचे में क्या हो गया 1 प्लस ये 1/2 की पावर में 2 अपॉन ये हो गया 2 प्लस 1/2 की पावर में 3 अपॉन 3 प्लस कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अपन लोग क्या कर दिए, समेशन में वैल्यू को पुट कर दिए फिर से, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ आप लोग, ओके, इसको नोट कर लीजिएंगे आप लोग, ठीक है, समझ तो आ रहे हैं आप सभी को, थोड़ा सा बस स्टेप आगे था, इसमें मैं आपको एकदम आराम से बता रहा हूँ तो इसलिए लग सकता है आपको कि सर इतना लंबा चौड़ा कैसे कह के, ठीक है, जो बच्चा प्रैक्टिस किया था उसे ये बहुत ही आसानी से बन गया था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो सीरीज हमारा जीपी है 1/2 1/4, अरे बताया था ये क्या हो गया 1/4 1/8, ये क्या है जीपी है कि नहीं है, डिवाइड करूँगा तो क्या होगा 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, और आप सभी को पता है कि जीपी का यदि कोई 3, 6 और 12 जीपी है तो 1/3 1/6 और 1/12 भी क्या होता है हमारा जीपी होता है, ठीक है। तो ये जीपी है और कहाँ तक है अनंत तक, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए हम लोग देखेंगे आपका तो ये 2 और ब्रैकेट में यहाँ पे a इक्वल क्या है आपका 1/2 और r निकालूंगा तो ये क्या होगा 1/4 सेकेंड टर्म अपॉन 1/2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1/2 होगा r का वैल्यू, क्लियर है।
ये जो सीरीज है हमारा, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, हमने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में एक फार्मूला देखा था। अब वो जो मेरा फार्मूला था वो क्या था आपका, लॉग वन माइनस एक्स का फार्मूला होता है आपका माइनस एक्स एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई थ्री, एक्स की पावर फोर बाई फोर, कहाँ तक बेटा, अनंत तक। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये हमारा लॉग वन माइनस एक्स का फार्मूला। और बेटा आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो हमारा सीरीज बन रहा है वो सेम टू सेम है एज इट इज, वन माइनस एक्स का फार्मूला में है। देखिए एक्स है, फिर एक्स का स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर थ्री है, सेम टू सेम एज इट इज वही चीज़ है, ठीक है। तो जिस बच्चे का फार्मूला क्लियर था वो इसका आंसर लगा लिया था, ओके। चलो तो ये सेम टू सेम किसका फार्मूला, आपका लॉग वन माइनस एक्स बेस ऑफ ई का, क्लियर है। अब हम बढ़ते इसमें आगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये जो फर्स्ट जो सीरीज हमारा वो क्या है, जीपी है, इन्फाइनाइट जीपी है। और इन्फाइनाइट जीपी का आपका फार्मूला क्या होता है हमारा, ए अपॉन वन माइनस आर, ये हमारा है फार्मूला। तो ए का वैल्यू कितना है बेटा, वन बाई टू अपॉन वन माइनस आर का वैल्यू कितना निकाले, वन बाई टू, क्लियर है। माइनस ये क्या है बेटा, आप ध्यान से देखिए कौन सा फार्मूला है, उसका फार्मूला है। तो वो ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा, प्लस लॉग वन माइनस, और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा वहाँ पे, वन बाई टू है, क्लियर है। तो ये टू, ये आपका वन बाई टू अपॉन दो, टू वन जो टू, और कितना हो गया, वन बाई टू, क्लियर है। प्लस लॉग दो एकम दो, ये कितना हो गया, एक बटा दो, ये तो आप कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा, टू प्लस लॉग वन बाई टू। अब ऑप्शन में देख सकते हैं कि अगर कहीं ये दिया होता तो मेरा ऑप्शन यही होता, लेकिन नहीं है ऑप्शन में टू प्लस, ठीक है। इसके अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है। तो टू को ऊपर करूँगा बेटा तो ये क्या होगा मेरा, टू प्लस लॉग टू की पावर माइनस वन होगा, और माइनस सामने आएगा बेटा तो ये क्या होगा, टू माइनस, लॉग के नियम से पता है पावर कहाँ आता है, सामने। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टू माइनस लॉग टू, और ऑप्शन में आप देख सकते हैं तो वो कौन होगा, ऑप्शन टी, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, लॉजिक से अपन देखे इसको। तो मैंने आपको बताया था एक ही चीज़ कि फार्मूला यदि आप जज कर पाते हैं तो आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते इसमें आगे, उम्मीद कर रहा हूँ समझ तो आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारा था लॉग वाला क्वेश्चन, ये तो देख लिए हम लोग, ठीक है। और था आपका ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका लॉग का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एज इट इज, और वो भी कहाँ तक, इनफिनाइट तक। और इनफिनाइट तक है मतलब ये किसका है बेटा, आपका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का ही क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा क्वेश्चन को अपन को मैनेज करना था, मैनेज कैसे करना था तो देखिए आप लोग, ये क्या वन बाई टू है, तो क्या मैं इसे वन माइनस वन बाई टू लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि टू वन जो टू, वन बाई टू ही होगा। प्लस क्या हम इसे वन बाई आपका वन बाई क्या लिख सकते हैं, इसको थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। और ये होगा आपका एक्स की पावर थ्री, प्लस तीन एकम तीन, तीन में से गए तो दो बटा तीन, वही चीज़ है। ये जो है बेटा इसे क्या मैं इसे वन माइनस आपका वन बाई फोर लिख सकता हूँ, एक्स की पावर फोर, कहाँ तक बेटा, अनंत तक, क्लियर है मेरी बात। चार एकम चार, चार में से गए तो तीन बटा चार, बात तो वही है, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसे ब्रैकेट को ओपन करें, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये वन से क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर, प्लस इसको करूं ओपन तो एक्स की पावर थ्री माइनस वन बाई थ्री एक्स की पावर थ्री, प्लस एक्स की पावर फोर माइनस वन बाई फोर एक्स की पावर फोर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि सीरीज में कुछ तो अंतर दिख रहा होगा आप लोग को। और फर्स्ट डिफरेंस देखे बेटा तो ये देखो, ये एक्स वाला जो है आपका अलग सीरीज बना बन रहा है यहाँ पे,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे ना एक अलग ले लेते हैं अपन लोग। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी तक। और जब मैं इसे अलग करूँ बेटा, तो आप यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें सभी में देख सकते हैं सामने में क्या है, माइनस है, और माइनस है सभी में, तो क्या मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लूँगा बेटा। तो ये जो मेरा होगा क्या होगा आपका, 1/2 एक्स का स्क्वेयर प्लस 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस कहाँ तक है बेटा, अनंत तक। क्लियर है? अब देखिए ये फिर सेम पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे, ये भी आपका जीपी बना रहा है, बना रहा है नहीं बना रहा है, गुणोत्तर श्रेणी बना रहा है आपका, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और कहाँ तक है, इन्फाइनाइट जीपी। और इन्फाइनाइट जीपी की बात करें तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला हमारा क्या होता है, ए अपॉन 1 - r। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बेटा, मेरा x है, सॉरी x का स्क्वायर है, और r निकालूंगा तो r कैसे निकालते हैं अपन लोग, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो ये क्या हो गया x। तो ये सेम वही चीज़ है बेटा आपका, तो ये मेरा क्या होगा, a अपॉन इन्फाइनाइट सम ऑफ इन्फाइनाइट, फार्मूला क्या होगा a, तो a का वैल्यू आपका x का स्क्वायर अपॉन 1 - r का वैल्यू क्या होगा बेटा आपका x। और आप इसको ध्यान से देखिए, ये भी जो सीरीज है, अभी कुछ देर पहले हम लोग जो फार्मूला देखे आपका, ठीक है, क्या देखे थे फार्मूला हम लोग, log 1 - x का फार्मूला देखे थे, क्या था हमारा, बराबर -x + x² / 2 + x³³ प्लस कहाँ तक बेटा, अनंत तक। अब ये बताओ मुझको, आप कंपेरिजन करना है, पावर में 2 है तो नीचे 2 है, पावर में 3 है नीचे 3 है, सेम टू सेम है, पावर में 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ पे जो x है वो इसमें x है क्या, है क्या, नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, उसी चीज़ को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कोई कहीं पे लिखा है 5x, और मुझे इसको बिना टच किए इक्वेशन बैलेंस करना, मैं क्या करूँगा, +1 - 1 कर दूंगा, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि +1 - 1 कैंसिल होगा, 0 होगा, तो 5x ही रहेगा, लेकिन हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा ना, मैं क्या करता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए सामने में लिख देता हूँ x, और ये आपका इसको सीधा ऐसे लिख देता, पढ़ लो x² / 2 प्लस x³³ प्लस कहाँ था बेटा, इन्फिनिटी। अब ये बताओ, सामने में ज़बरदस्ती का x लिखा हूँ, तो बेटा इधर पीछे में भी अपन लोग बैलेंस करने के लिए x लिखेंगे, लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि एक्चुअल में है क्या, और सेम टू सेम वही चीज़ आ गया बेटा हमारा, माइनस किसका फार्मूला, log 1 - x का, ठीक है। तो अब अपन लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, x² / 1 - x, और ये पूरा का फार्मूला क्या है बेटा, log किसका है, उसका, log 1 - x का, लेकिन यहाँ पे तो -x है, तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा -x। क्लियर है? और आप देखो ऑप्शन में दिया रहता तो यही इसका आंसर था, लेकिन अपन को उसको तब तक तोड़ना है जब तक कि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू ना आ जाए। ऑप्शन में चेक करो है क्या, नहीं है, अपन स्टेप बढ़ाते हैं। ओके, ये बताओ बेटा, ये एक ही नंबर है, वेरिएबल है, लॉग का नंबर होता तो लॉग से जुड़ता, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल है, एक्स है, और वो वाला एक्स है, तो मैं इसे जब ओपन सॉल्व करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ठीक है, x² / 1 - x, वहाँ पे क्या है बेटा, -x, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा बेटा, तो इसका एलसीएम क्या करे, 1 - x, और ये क्या होगा हमारा, x² - ठीक है, ये आपका 1, और ये हो गया आपका -x, और ये प्लस होगा, और ये आपका x² ठीक है। एक मिनट ना, वैल्यू, हाँ ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा, 1 - x, ये x² ठीक है, माइनस है ना, हाँ माइनस आपका ऑप्शन, हाँ ये प्लस होगा x - x² और ये हो गया आपका क्या, कैंसल,
तो केवल क्या बचा हमारे पास, x अपॉन वन माइनस एक्स प्लस लॉग वन माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ऑप्शन को चेक करो, कोई दिख रहा है आपको? दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं थोड़ा आप लोगों का कमेंट भी देख लेता हूँ यदि आप लोग जुड़े होंगे तो, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक लोग जुड़िए और चीज़ों को समझिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इस क्वेश्चन को लेके यदि आप शुरुआत में, मुझे पता है दो चार बच्चे मुझे कॉल किए थे और बोल रहे थे कि सर मैथ का क्वेश्चन टफ है, थोड़ा लेंदी है, टफ नहीं है, ठीक है। यदि बेटा आप चीज़ों को समझोगे, फार्मूला जिसको याद था यार वो तो बनाया ही है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते इसमें आगे, तो आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये भी हमारा किसी न किसी फार्मूला की जैसे है बेटा आपका, ठीक है। देखिए ये भी कहाँ है आपका, इन्फिनाइट तक, अनंत तक का है, और अनंत तक का है मतलब सेम वही चीज़ है, इन्फिनाइट जी पी ही होगा, क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, थोड़ा कैसे दिमाग लगा, अनंत तक है मतलब फिक्स है कि वही वही फार्मूला है आपका, ओके। चलिए अब देखो, इसे मैं देखना ना, कंपेरिजन करना, ये ऐसा लिखा है कोई नंबर, तो क्या मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार बेटा ये जो सेकेंड नंबर है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सेम वही चीज़ लिख सकते हैं आपका, लिख सकते हैं, समझ रहे ना। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन आपका क्या है बेटा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर है। तो जब मैं इसे भी अलग अलग लिखूंगा तो क्या मैं इसे एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, और इसे क्या लिख सकता हूँ बेटा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक उसी प्रकार अपन लोग क्या करते हैं, सीरीज को अलग अलग अरेंज कर लेते हैं, क्लियर है। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म होगा आपका वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, पहला जो नंबर है अपन लोग उसी को पहले ले लेते हैं, क्लियर है, प्लस एक मिनट ना थोड़ा सा इसको करेंगे, एक्स अपॉन आपका क्या है बेटा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू लिख सकता हूँ, इसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखेंगे आप चीज़ों को समझिएगा, हम अगर कि इसे देखें तो सेम टू सेम है, जो थर्ड सीरीज है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई मेरी बात, ओके। अब देखना ध्यान से, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन की पावर में थ्री अपॉन थ्री प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और ये जो मेरा सीरीज है अगला इधर का क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ आपका, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस आपका वन बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स प्लस वन की पावर में थ्री बाई थ्री प्लस कहाँ तक है बेटा, अनंत तक। और आप इसे ध्यान से देखिए, सेम टू सेम हम लोग कुछ देर पहले जो फार्मूला देखे थे सेम वही चीज़ है बेटा, ठीक है। और वो हमारा फार्मूला क्या था आपका, लॉग वन माइनस एक्स का फार्मूला, वो होता है आपका माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री बाई थ्री प्लस एक्स की पावर फोर बाई फोर कहाँ तक, अनंत तक। लेकिन क्या इसमें माइनस है क्या, नहीं है माइनस, तो माइनस नहीं है तो हमारा जो फार्मूला है किसका, इसमें अपन माइनस को गायब करने के लिए क्या कर ले, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये इधर का माइनस और ये क्या हो गया प्लस, अब प्लस होगा तो एज इट इज दिखने लगेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लॉग वन माइनस, और बेटा एक्स की वैल्यू क्या है आपका, देखिए क्या है, क्या है भाई इसमें, क्या है आपका एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और ये प्लस हो जाएगा बेटा, और ये क्या होगा हमारा लॉग वन माइनस, और आपका एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा वन,
आपका एक्स प्लस वन। क्लियर है मेरी बात? देखिए फार्मूला यदि याद है आपको, हम लोग कुछ नहीं किए भाई, पहले इस ये दोनों को इसको ऐसा पहले ले लिए, फिर आपका इसे पहला लिए, फिर आपका ऐसा पहला लिए, फिर अपन लोग सेकेंड में ये दोनों को ऐसा या अपन लोग क्रॉस में ले लिए, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए आप, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग, ये माइनस है बेटा, तो माइनस है आपका, ठीक है। तो ये ओपन करेंगे ब्रैकेट को, दिया आपका एक्स प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर है? समझ तो आ रही ना, ठीक है। अब जब सॉरी यहाँ पे क्या होगा बेटा, सॉरी ना, ये क्या होगा आपका एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, ठीक है। सॉरी ना एक मिनट, एक्स प्लस वन माइनस वन ये कैंसल आपका, यहाँ पे आपका सेम वही चीज़ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक्स एक्स कैंसल, यहाँ पे वन और वन कैंसल, तो माइनस में क्या होता है आप सभी को पता है, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये किस में बेटा, ये प्लस और ये माइनस में, तो अपॉन करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, वन अपॉन आपका एक्स प्लस वन बटा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर है? तो ये और ये कैंसल, ये ऊपर गया था अपन लोग, आपका आंसर क्या आ गया आपका, लॉग एक्स। क्लियर है? और आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपका ऑप्शन पहला ही क्या है बेटा, आपका लॉग एक्स है। क्लियर है? ठीक है, तो बस वही लॉजिक से सेम टू सेम। अक्सर होता कुछ ऐसा था कि पिछले पेपर की बात करें तो आपके कैरेक्टरिस्टिक से ही पुराण से जो हम लोग पढ़े थे वहाँ से दो तीन क्वेश्चन पूछ दिया था। उसके पहले जो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट पार्ट से, सॉरी 2019 की बात करें, इससे पहले जो पीएटी हुआ था उसमें फर्स्ट पार्ट से पूरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था। इस साल जो क्वेश्चन पूछा है, हम लोग जो क्लास में पढ़े थे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम चरघातांकी लघुगणक, पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से दे दिया है, ठीक है। चलिए, तो फार्मूला जिनको पता था वो बिल्कुल अच्छे से इसको बना ही लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। अब ये तो हमारा लॉगरिथम से चार क्वेश्चन था, अब हम लोग जो सामने में आते जाते उसको बनाते जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका सीधा सीधा पहले नंबर से देखते हैं आपका। क्वेश्चन तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा टफ था बट अच्छी बात है, कंपटीशन कम रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रकीर्णन काम आप नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ डिस्प्लेसन। ओके, तो बेटा यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना, प्रकीर्णन कहने का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसन मतलब क्या होता है आपका, फैलाओ, समझ रहे हो। और बेटा यहाँ पे मीन डेविएशन, प्रसरण, मानक विचलन, मीन डेविएशन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी में हम लोग क्या निकालते हैं, विचलन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एम, मतलब जो भी वैल्यू निकालते हैं उसमें क्या होता है, डेटा जो हमारा क्या होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन हम लोग मॉड की बात करें तो बहुलक में क्या होता है, हम चीज़ों को देख के भी बता सकते हैं। किसी पेड़ में मैं पूछूं आपसे कि पके हुए संतरे के बारे में मुझे जानना है, बताना है, तो क्या मैं पके हुए संतरे को काउंट करूंगा पेड़ में, क्या नहीं, क्या करूंगा, देखूंगा कि जो कच्चे फल है और जो पक्के फल है, समझ रहे हो, और देख के जज कर सकता हूँ। मतलब चीज़ें उसमें क्या होती है, आसानी से आ जाता है। बट हम लोग डेटा का जो फैलाव की बात करें तो किस में होता है बेटा, मीन डेविएशन में। प्रसरण बोल दिया, वेरिएंस बोल दिया, तो वेरिएंस में भी क्या होता है, हमारा जो है क्या होता है, डेविएशन ही होता है। और उसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें भी क्या होता है, डेटा जो है फैलता है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा आपका बहुलक, मॉड। क्लियर है? उसके बाद ये तो 43 देख लिए हम लोग, 44 भी देख लिए, अब हम लोग देखते ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था आपका कितने नंबर में है, 45 नंबर का क्वेश्चन आपका, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का रूट 3 साइन थीटा देन 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं करना था आपका। ये जो वैल्यू दिया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3 साइन थीटा, अगर कहीं मैं सभी टर्म्स में कॉस थीटा का डिवाइड कर दूँ
क्या कर दूं, डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करूंगा बेटा तो ये क्या होगा, ये कॉस थीटा, सभी में क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं, ये भी क्या कर दिया, डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा प्लस वन बराबर आपका रूट थ्री, ये हो गया टेन थीटा। अब ये वन को मैं इधर ही रखता हूँ, रूट थ्री टेन थीटा, और ये उधर गया तो आपको हो गया माइनस टेन थीटा। कॉमन क्या है बेटा इसमें, टेन थीटा, तो ये क्या होगा, रूट थ्री माइनस वन, और बाहर में क्या आ गया आपका टेन थीटा, और ये हो गया आपका वन। क्लियर है, अब हम बढ़ते इसमें आगे, तो ये जो मेरा होगा टेन थीटा इक्वल क्या होगा, वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, क्या होगा बेटा, रूट थ्री माइनस वन। और ये बताओ अगर कहीं मैं इसी को रेशनलाइज करूं, हर का परिमेयकरण करूंगा, तो ये वन बाई रूट थ्री माइनस वन, और परिमेयकरण कैसे करता अपन लोग, नीचे का जो है उसको अपोजिट साइन लेके कर लेते हैं, तो आपका रूट थ्री प्लस वन, ऊपर का ऊपर से गुणा करूंगा तो ये रूट थ्री प्लस वन अपॉन, और बेटा ये क्या है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो बेटा ए स्क्वायर कितना है, ए मतलब रूट थ्री माइनस बी स्क्वायर वन, तो ये क्या होगा रूट थ्री प्लस वन बाई टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, और तीन में से गए तो दो, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगा। क्लियर है मेरी बात, ओके। तो अब मैं इसके आगे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, टेन थीटा इक्वल क्या लिख सकता हूँ, मैं टेन थीटा इक्वल लिख सकता हूँ आपका रूट थ्री प्लस वन बाई टू, और कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। अब ये बताओ बेटा वैल्यू आपका साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो ये बताओ टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आपका रूट थ्री प्लस वन बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो दो को इधर से करूँगा तो ये क्या होगा बेटा टू साइन थीटा बराबर इसका, ये क्या होगा आपका रूट थ्री कॉस थीटा, और ये होगा बेटा आपका प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए वहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहा है टू साइन थीटा का, तो ये बताओ ये टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो बेटा ये क्या होगा कॉस थीटा इधर हो गया, तो इधर राइट साइड में क्या बचा रूट थ्री कॉस थीटा, और पूछ यही रहे बेटा टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रूट थ्री कॉस थीटा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन देखिए, तीन चार लाइन में आपका आंसर आ गया। ओके चलिए बढ़े आगे, ठीक है समझ तो आ ही रहा आप लोगों को। ओके देखते हैं अब, समझ तो आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है बताइएगा जरूर। ठीक है चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको क्लास में ही बता दिया था बेटा कि अगर कहीं आपको ए बी सी डी कुछ भी दिखे, समझ रहे हो, तो आप लोग क्या करेंगे सीधा थीटा मेथड से बना देंगे भाई, क्योंकि मैं इसे फार्मूला के बारे में मुझे नहीं सोचना है। क्लियर है, तो चलो मैं एक छोटा सा कुछ भी वैल्यू ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ एक काम करता हूँ ए इक्वल ले लेता हूँ बेटा 30 डिग्री पुट करता हूँ, तो यहाँ पे साइन स्क्वेयर 30 पुट करूँगा तो 30 दिया 90 बटा साइन स्क्वेयर, ये क्या हो गया बेटा आपका 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 दिया 90 बटा ये हो गया कॉस स्क्वायर 30। क्लियर है, अब ये बताओ कॉस साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1, और ये हो गया आपका 1 बाई 2 का स्क्वायर, कॉस 90 का वैल्यू होता है बेटा कॉस 90 का वैल्यू, कॉस तो 90 का वैल्यू होता है 0, और यहाँ पे 0 होगा जैसे ही, तो बेटा नीचे में कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही होगा, और ये 1 बाई 1 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 0, ये 0 हो गया तो आपका 4 कहाँ गया ऊपर हो गया, तो 4 माइनस 0 तो कितना होगा 4 ही होगा। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं अपन लोग, जो थीटा हम लोग क्वेश्चन में रखे हैं वही थीटा आपको ऑप्शन में रखना है, बताया था क्लास में, ठीक है। तो आप क्या कि 30 डिग्री रखे बेटा, अब आप ऑप्शन में रख के चेक करेंगे, 30 वहाँ पे रखो तो यहाँ पे 60 रखेंगे, ऐसा नहीं है भाई, बताया था क्लास में ना आपको, तो 30 डिग्री रख लो, तो मैं ऑप्शन पहला ऑप्शन देखूँ 8 cos 2a,
तो 2a का मान कितना ले रहे हो बेटा, 30, तो 30 दूना 60, तो 8, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/2, तो 2 एकम 2, 2 चौ 8, तो आपका आंसर कितना आ गया 4, और आप देख सकते हैं सेम टू सेम है आंसर इसका, क्लियर है। बाकी ऑप्शन में भी रख के देख लीजिए, यहाँ पे रखूंगा तो ये क्या होगा 1/8 cos 2 30 दूना 60, तो 60 मतलब 1/2 कितना आएगा 1/16, सेम आंसर आ रहा है क्या बेटा, नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे बात करूँ 30 दूना 60, तो 30 दूना 60 करूँगा तो 1/2, तो 4 किस में आ रहा है, केवल इसमें। अब बोलोगे सर क्या ये 30 डिग्री रखना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं बेटा, आप अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू वाले मेथड में बताया था इन्फिनिटी वैल्यू से अपन को बचना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते इसमें आगे, ये क्वेश्चन था आपका 47, एकदम सरल क्वेश्चन, क्लास में, वीकली टेस्ट में, रिवीजन टेस्ट में सभी में पूछा हूँ बार बार। इफ एपी कंसिस्ट ऑफ 51 टर्म्स एंड इट्स मिडिल टर्म्स इज 40, देन द सम ऑफ एपी, एक समांतर श्रेणी में 51 पद है तथा इसका मध्य पद क्या है बेटा 40 है, तब श्रेणी का योग, जो जो दिया है बेटा सबसे पहले बाहर निकाल लो, तो श्रेणी में कितने टर्म्स है बेटा 51, एंड बोल रहा है इसका मिडिल टर्म 40 है, तो इसका जो मिडिल टर्म है बेटा आपका, ओके मिडिल टर्म कितना आपका 40, तो ये बताओ इसका मिड टर्म कौन होगा, सोचना है आपको, टोटल 51 पद है बेटा, 51 टर्म है, तो 25 इधर मान लूँ, 25 इधर, तो 25 25 50, तो बीच में कौन होगा बेटा 26 नंबर का जो भी टर्म्स होगा वही उसका बीच का होगा, तो ये बताओ ये जो वैल्यू मिडिल टर्म कौन सा होगा आपका, जो 26वां पद होगा वही आपका मिडिल टर्म होगा, तो टी ये कितना होगा बेटा, ए प्लस 25 डी इक्वल हो गया है आपका 40। अब बोल रहे हैं कि देन सम ऑफ, पूछ रहे हैं तब श्रेणी का योग क्या होगा, तो एपी है तो योग का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस एन इक्वल एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है, कितने पद के योग पूछ रहे हैं, तो बेटा आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 51 है, 51 पद, ओके तो ये क्या होगा बेटा 51/2 टू ए है क्या, कुछ भी नहीं है भाई अपन को, और n कितना है आपका 51 माइनस 1, डी है क्या, ये भी नहीं है आपका, ओके तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 51/2 टू ए प्लस 51 में से गेट कितना बचा बेटा 50 डी, ओके और ये 51/2 दो कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा a प्लस 25 डी, और ये 2 से 2 कैंसल। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए a प्लस 25 डी का वैल्यू यहाँ पे प्रश्न में ही दे दिया था, कितना है 40, तो क्या करेंगे भाई 51 इक्वल वैल्यू पुट कर दो, तो 4 एकम 4 और 5 चौक 20, तो आपका आंसर कितना आ गया 2040, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्लियर है। पढ़ाते पढ़ाते हमेशा क्लास में बोलता था आपको कि आपको मैथ में 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसे आप देखते ही जज करेंगे, क्लियर है, और ये सब उन्हीं क्वेश्चनों के क्या है एग्जाम्पल हैं, ओके। लेकिन कई बच्चे प्रश्नों को पढ़े होंगे समांतर श्रेणी में 51, सर इसमें तो ए डी कुछ भी नहीं दिया है कैसे निकालेंगे, तो अपन को उससे परेशान नहीं होना है, क्लियर है मेरी बात। चलिए अब हम बढ़ते इसमें आगे। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, बोला है भाई 50 से कम वैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जो ना तो 2 से और ना ही 5 से विभाज्य है, ओके तो द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5, ओके जो ना तो 2 से भाज्य और ना तो 5 से, तो ये बताओ बेटा सीरीज कहाँ तक है आपका 500, और क्या बोल रहा है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर की बात करें तो ये क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 से कहाँ तक आपका 500 तक बोला है, और इसी बीच में आपको क्या देखना है चेक करना है कि आपका ऐसा नंबर देखना है जो 2 से भाज्य ना डिवाइड ना हो और ना ही 5 से, तो ये बताओ 2 से भाज्य तो 2 वाला ही होगा स्वयं का 4 होगा, तो जितने इवन नंबर है सबके सब क्या है आपके 2 वाले 2 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद बात करें 5 से, तो बेटा 5 से तो जो 5 10 15 20 ये होंगे, अब ये बताओ जो नंबर 2 से भी है जैसे मैं 10 की बात करूं तो 10 जो है वो क्या है 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा, समझ रहे हो दोनों नंबर से डिवाइड वाले नंबर है, ठीक है। तो अपन क्या करना है पहले अपन लोग नंबर ऑफ टर्म्स को
काउंट कर लेते हैं। कैसे, जब मैं दो से डिवाइड करने की बात करता हूँ तो दो चार छः छः आठ दस, ऐसी करते करते कहाँ तक बेटा आपका 500 तक है। तो मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहीं से निकाल लेता हूँ कि ऐसे कितने नंबर हैं जो दो से डिवाइड होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला देखे थे, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। एल का वैल्यू है बेटा 500 माइनस दो बटा डी कितना है आपका 2 प्लस 1, ओके तो ये होगा 498 बटा 2 प्लस 1। तो 498 का आधा कितना हो गया बेटा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 नहीं 18 प्लस 1, तो कितना हो गया 250। अब ये इसका पंचायती तरीका है भाई, आपको बार बार उसी चीज़ों को फार्मूला पे नहीं सुन, थोड़ा दिमाग लगाना है। 2 4 6 कहाँ तक है, 500 है, तो 500 का आधा कितना होगा भाई, 250 होगा, समझ रहे बात को। तो जो ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं, 250 पद है। तो आपको क्या करना है, इसका सम निकाल लेना है, समझ रहे हो, योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे, Sn से n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, क्लियर है, समझ रहे हो बात को। फिर आपको क्या करना है, सेम टू सेम एज इट इज बेटा। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे मैं एन इक्वल कितना निकाल दिया, 250 निकाल दिया। उसी प्रकार आपको ऐसे नंबर देखना है जो 5 से भी डिवाइड हो, जो 5 से डिवाइड होते हो, क्लियर है। तो ऐसे नंबर कितने होंगे आपका, 5, 10, 15, 20, कहाँ तक 500। फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है जो 5 से डिवाइड हो, तो आपका वही l माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। तो l का वैल्यू 500 माइनस 5 बटा d का वैल्यू कितना होगा बेटा, 5 प्लस 1, तो आपका कितना होगा ये 495 बटा 5 प्लस 1। तो ये आपका 5 अट्ठे 40, 5 निया 45 और ये 5 निया 1, तो n इक्वल कितना 100। बेटा ये जो 100 है वो क्या है आपका, ऐसे नंबर है जो किसे डिवाइड है आपका, किससे डिवाइड है जी, 5 से। तो जी ये 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं, 250, और 5 से डिवाइड होने वाले कितने हैं आपका, 100 है। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया कि जो ऐसे कई नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 5 से भी होते हैं, जैसे 10, 20, 30 और आपका 40, और कहाँ तक, स्वयं 500 भी वैसी है, ठीक है। तो ऐसे नंबर का मैं निकालूंगा, क्या निकालेंगे आप लोग, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आपका l माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, तो l का वैल्यू कितना है 500 माइनस a का वैल्यू 10, और ये कितना है बेटा, d का वैल्यू 10 ही होगा आपका प्लस वन, तो ये होगा आपका 490 बटा 10 प्लस 1, तो ये आपका 0 कैंसिल, तो कितना गया 50। तो ऐसे नंबर जो 10 वाले हैं वो भी कितना है आपका, कितना है आपका 50 है, क्लियर है मेरी बात। तो इस प्रकार सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर लीजिए, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, सबका सम निकालना है। तो इन तीनों का अगर कि हमें सम पता चल जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि जो 2 और 5 से डिवाइड नहीं होते उनका योग क्या होगा, क्लियर है। तो चलिए अब हम बढ़ते इसमें आगे, तो अपन को क्या करना है, इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। ट्रिक कैसे पता है, ट्रिक है बेटा आपका, सबसे पहले आपको जो n नेचुरल नंबर जितना बोले रहेगा उसका सम निकाल लो, तो उसका कितना बोला है 500, फिर माइनस 2 से डिवाइड होने वाला है, जो बोले कि 2 से जो अपन लोग, ये बताओ हम लोग जिसे बात करते हैं बिलासपुर, बिलासपुर से मुंगेली की दूरी है आपका, बिलासपुर से मुंगेली की दूरी है आपका 50 किलोमीटर, और मैं बोलूँ कि आपका बिलासपुर से तखतपुर की दूरी है 30 किलोमीटर, तो बतलाइए तखतपुर से मुंगेली क्या होगा। तो आप दिमाग लगा सकते हो भाई कि जब यहाँ से यहाँ 30 है और कुल दूरी 50 है, तो 50 में 30 घटाएंगे कितना आएगा 20, बता सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपको डिवाइड ना होने वाले नंबर बोल रहे हैं, तो सबसे पहले जो होने वाले नंबर उनका योग निकालो ना, तो टोटल में माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 2 से, तो 2 से जो सम होने वाले ये कितने नंबर है आपका, 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है, तो एस 250 माइनस, फिर इससे कितना बेटा आपका 100 है प्लस माइनस, और जो 2 और 5 दोनों से है और इनकी संख्या कितना है बेटा एस 50 है, और सबका हमने ए डी सभी का अलग अलग निकाले हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू करके इसमें अपन लोग निकाल लेना है, ठीक है।
तो जो दो से डिवाइड करने वाला है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ बेटा, जो 500 है टोटल प्राकृतिक संख्या का जो योग है वो निकालेंगे, तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक है बेटा आपका 500 है, तो इसका योग निकालूंगा, तो इसका योग निकालूंगा, तो ए इक्वल क्या है 1, डी तो 1 ही होगा, और कितने पद हैं तो 500 है बेटा, तो हमारा फार्मूला क्या होता है SN का n बाई 2a 1 प्लस 500 माइनस 1 डी का वैल्यू 1, तो ये कितना होगा बेटा 250, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 9 9, तो ये कितना होगा आपका 250, कितना होगा बेटा 501 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, ये कितने पदों का योग है 500, ठीक है, कैलकुलेट कीजिए। उसी प्रकार आपका सेम टू सेम आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको 5 वाला भी निकालना है और उसी प्रकार 10 वाला भी निकालना है। क्लियर है? तो जब हम लोग बात करें अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग, क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, गला मेरा सूख रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आपका जो है आंसर जो है आ जाएगा सेम टू सेम, उसी प्रकार आपको निकालना है बेटा। ठीक है, सर पानी लेंगे जरा, ये लाइट थोड़ा सा हिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो हमारा योग आएगा आपका S50 का, वो कितना आएगा 1, 2, 5, 2, 5, 0, किसका 50 पदों का योग का। ठीक है बेटा, तो मैं सेम वही चीज़ करना है आपका, बनाएंगे आपका थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा है, लेंदी बनेगा। ठीक है, सीधा मैं ट्रिक में आपको वैल्यू बता देता हूँ, ठीक उसी तरीके आपको इसको बनाना है। तो जो हमारा ट्रिक था, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग जो हमारा S500 का माइनस आपका S कितने पदों का बेटा 250 का, 250 पदों का योग, प्लस कितना आपका 100 पदों का माइनस, और ये आपका S 50 पदों का वैल्यू पुट करेंगे। तो सीधा मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, आप उसको क्या करेंगे, बनाएंगे उसको। ठीक है, लंबा चौड़ा 4-5 स्टेप में है। ठीक है, बस याद ये रखना है आपको, ट्रिक को याद रखना है। यदि आपको ये ट्रिक पता है बेटा, तो आपको चाहे कितना ये क्वेश्चन जो है आपका आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत सारे पूछे हैं, बट PAT में ये फर्स्ट टाइम ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन आप SSC रेलवे जो आप PSC की तैयारी करते हैं, ये सभी चीज़ों में पूछा जा चुका है। ये एक्चुअल में ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आया था आपका आएगा 1, 2, 2, 5, 2, 5, 0 माइनस, और इसका अपन लोग वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका होगा 6, 2, 7, 5, 0, और जो 100 पदों का योग, तो 100 पदों के किसके लिए बेटा 5 के लिए है, तो इसका जो वैल्यू है आपका 2, 5, 2, 5, 0 माइनस, और जो 50 पदों के लिए योग था वो था आपका 12,750 आएगा। ठीक है, अब चीज़ों को समझना बेटा, 250 मतलब किसका है, ये 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, तो आप किस में लिखेंगे S 250 जो N के लिए है, फिर वही चीज़ 100 पदों के लिए और 50, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो होगा 50,000। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, ये है बेटा आपका डिटेल से कैसे बनाना है, बट आप इसे लॉजिक से भी बना सकते थे बिना ये सब पंचायती कि केवल आपको एक ही चीज़ निकालना था, वो ये बताओ मुझे, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो 500 पदों का योग कितना है बेटा 1,25,250। ऑप्शन में देखो, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्या इसमें नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब दिखा बेटा ये 2,00,000 कितना है 2,00,000, तो ये बताओ बेटा ये तो 500 कुल 500 पद का है, तो 500 पद केवल इतना ही है, तो बेटा ये तो उससे कई गुना ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो सबसे कम नंबर कौन है 500। क्लियर है? ये बिना ये सब किए सीधा ऑप्शन से तरीके से, क्लियर है? ये मैं जो बताया वो आपका डिटेल तरीका है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो होगा आपका 500। बड़े आगे, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए AP का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन था आपका
40 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है, यदि दो संख्याएं 72 और 74 हटा दी जाए तो बची हुई संख्याओं का माध्य क्या होगा? द अर्थमेटिक मीन अ सेट ऑफ 40 नंबर्स इज 35। इफ टू नंबर्स 72 एंड 74 आर रिमूव देन द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर, मतलब जो बचेंगे उन नंबरों का माध्य क्या होगा। तो पहले जो नंबर है उसका मीन निकाल लो, तो जो मैं टोटल मीन निकालूंगा, ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसको बोलोगे कि फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला नहीं, केवल लॉजिक से टोटल मीन निकालूंगा आपका। तो टोटल मीन निकालूंगा बेटा, देख कितना होगा, 40 गुणा 35 लोग हैं तो 3500 1400। अब ये बताओ दो ठो नंबर को अपन को डिलीट कर देना है, घटा देना है, तो वो नंबर कौन कौन है? तो वो नंबर है बेटा आपका 72 और 74, 4 और 2 6 7 7 14। अब इसको मैं घटा दिया तो कुल कितने पद बच गए, 38 पद, 38 टर्म, दो वैल्यू अपन हटा दिए, वो दो था इसलिए टर्म्स 40 था, लेकिन अपन लोग दो को हटा दिए, तो दो हटा दिए तो अपन को क्या करना है, इसको माइनस करना पड़ेगा किससे, 1400 में किसको माइनस कर देता हूँ, 146 को। तो ये बताओ ये 10 में से 6 गए तो बेटा आपका हो गया 4, फिर आपका ये 5, तो ये 5 और ये हो गया आपका 12। तो ये जो 1254 है बेटा वो क्या है, ये है आपके दो नंबर को घटाने के बाद का एवरेज, तो दो नंबर घटाए कितना हो गया 38, तो 38 पद का जो एवरेज है वो कितना है, 1257। तो क्वेश्चन क्या पूछ है, एवरेज पूछ रहा है बेटा, तो एवरेज पूछ रहा है, तो आपको एवरेज निकालना है। तो क्या करते हैं, पदों का कुल योग बेटा पदों की संख्या, सम ऑफ ऑल टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो पदों का कुल योग कितना है, 1254 बटा 146, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे बेटा, ठीक है, आपको जिस भी नंबर से डिवाइड करना, दो से करो, पाँच से करो, जिससे भी करो, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 33, और ऑप्शन में आप देख सकते हो ऑप्शन बी। ये जो क्वेश्चन है आपका, हम लोग सांख्यिकी में माध्य प्रश्न देखे थे, माध्य मीन का देखे थे, तो मीन में जरूरी नहीं है कि आपका वो एक्स और एफ के फॉर्म में ही पूछे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, सिंपल मीन एवरेज निकालना है। सोमवार को 10 डिग्री ताप है, मंगल को 15 डिग्री ताप है, बुधवार को 34 डिग्री टेम्परेचर है, तो बतलाइए किस 3 दिन का एवरेज क्या होगा। तो वही चीज़ अपना बात, तो वही चीज़ है, पदों का कुल योग बटा पदों की संख्या, टोटल जो टेम्परेचर है उसमें टोटल डे को अपन लोग क्या करते थे, डिवाइड करेंगे, तो जो 3 डे है उसका एवरेज निकल सकता है, ये क्लास में देखे थे, सेम वही चीज़ था बेटा, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये जो क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन को मुझे पता है आप लोग देख के ही टेंशन में आ गए होंगे, सर ये सर इस टाइप का सर बताया ही नहीं है, तो मैंने आपको क्लास में बार बार बोला था, क्वेश्चन को बनाना जितना ज़रूरी है सीखना, बनाने के लिए जो हम सीखते हैं कि कैसे बनता है, उतना ही ज़रूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, पढ़ने आना ही चाहिए आपको क्वेश्चन को, यदि आप पढ़ पाते, अच्छे से समझ पाते चीज़ों को, तो आपके लिए आसान होगा बेटा। अब मैं इसे सॉल्व करूँगा, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए आप, जो नहीं बनाए होंगे अब मेरे बताने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा, आप सोचोगे अरे ये तो ऐसा है, इसको मैं क्यों नहीं कर पाया, मुझे पता है आप जरूर ऐसे ही सोचेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। बनाते बनाते सोचे होंगे चौबे सर जो पढ़ाए थे वो उसमें तो ये आया ही नहीं है उस टाइप का, मुझको पता है बहुत लोग यही सोचे होंगे, लेकिन बेटा आपको एज इट इज लाइन टू लाइन थोड़ी ना पूछेगा जी, थोड़ा सा तो दिमाग आपका घुमाएगा ही। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ये जीपी है कि नहीं है रे, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में आर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में तो 2x/1, तो आर का वैल्यू 2x, और जब मैं इसे डिवाइड करूँगा 4x² को 2x से, तो x से x, 2 दूना 4,